ओके, सो आज की क्लास में विल डिस्कस व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। एनी आइडिया? एक्टिव नो आई मीन इट इज एक्टिव एसेट मैनेजमेंट राइट वेयर यूजर्स लाइक रोल्स एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन ओके। Is it similar with an S3 which is for AWS, सॉरी, or is it similar S3 which in AWS S3 is or it's simple storage service in AWS. There is no relation between S3 and Azure Active Directory or Active Directory. I'm just talking about normal Active Directory. What is the purpose and how you will use it? No, I don't have much idea. ओके, समझो एक ऑफिस है, राइट? ये पीपल आर वॉकिंग इन शारदा सेंटर। समवेयर इन द कॉर्नर रूम यूल सी सम सर्वर्स। वन ऑफ द सर्वर इज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, वंस यू एंटर इन ऑफिस द फर्स्ट टाइम एंड यू लॉग इन, क्या करोगे? ऑन सिस्टम ऑन करके लॉग इन करोगे, राइट? वेदर इट इज डेस्कटॉप और लैपटॉप। वैन द एंटरप्राइज यूजर नेम एंड पासवर्ड विच इज बींग ऑथेंटिकेटेड internally from here itself. उधर हमें क्या चाहिए? एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर बिठाना पड़ेगा। ओके, हेलो। ओके, और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर क्या करेगा? समझो, अमित इज लॉगिंग इन विथ हिज आईडी। He'll type the username and password. That username and password will be sent it to Active Directory server, and it will check whether the username is correct or not. And also, it will check whether the laptop which is being authenticated is also a part of company's laptop or not. So it will check both, and then it will allow you to log in. ओके, समझा? दिस इज हाउ ट्रेडिशनल वे वर्क्स। ओके, नाउ इसका क्या काम है? मैं बोला कि यूजर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ऑन कमिंग टू एज्योर, व्हाट इज ट्रेडिशनल एडी, व्हाट इज एज्योर एडी, दोनों में क्या अंतर है? राइट, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी, एज आई सेड, इफ यू हैव वन ऑफिस, आई सेड वन, अगर ये सर्वर डाउन हो गया, ओके, कभी कभी आप ऑफिस में जाके लॉग इन करते वक्त पासवर्ड टाइप करोगे एंड वेलकम टू वेलकम पेज गोल गोल घूमते रहेगा 1-2-3 मिनट तक, बाद में लॉग इन होगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व इन योर पास्ट एक्सपीरियंस डिले इन लॉग इन? या समटाइम्स इट हैपेंस Okay, in that situation, what happens? Let's say, for example, you are logging in from Sarada Center. The local server might be down for some time, or maybe there is a network issue, or maybe the server is rebooting, or something is going on, and your request will be sent to the secondary server, which is in US or somewhere in the other office or other continent, wherever. So, अगर वो आईडी पासवर्ड आप भेजोगे, वो उधर जाके ऑथेंटिकेट होके वापस रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका लॉग इन स्लो होता है कभी कभी। ओके, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट अ सिंगल सर्वर, यू हैव मल्टीपल सर्वर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शनैलिटी। ओके, इफ यू वॉन्ट टू लुक एट मोर, ओके, यू हैव टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। व्हाट इज योर डोमेन नेम? What is your domain name in your office? Which, sorry? Tech Mahindra.com, right? The one. No. I mean, techmahindra.com/, you log in like that every day? Yeah, I mean, ATT slash my user ID and ATT.com. password. See, if I say ATT.com, I got two different servers in public.
Okay, similarly, in your internal, if you run the same command, if you are in Office, it will give you 50-60 entries. That means with ATT domain, you have around 50 to 60 servers in your company running as a domain controllers. Each and every domain controller will act as a primary in their local location and secondary for other locations. समझो पुणे में जो है शारदा सेंटर में या हिंजवाड़ी में वो जो डोमेन कंट्रोलर रहेगा वो ये लोकेशन के लिए प्राइमरी राइट. सेम इफ यू हैव अ ऑफिस इन टेकमेंद्र ऑफिस इन बैंगलोर, बैंगलोर वाले के लिए ये सेकेंडरी है, उनके लिए उधर लोकल रहेगा. उधर से अगर सर्वर बंद हो गया तो उनका रिक्वेस्ट यहाँ पे आके ऑथेंटिकेट होके जाता है, दैट इज इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी फॉर अदर लोकेशन एंड सो ऑन. यू कैन कंबाइन ऑल द लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी डोमेन हो. That will be a techmahindra.com or att.com. Okay, each company has their own domains and their own domain controllers to manage those domains. Okay, so in short, what we need, if you want to learn Active Directory, first thing, need a domain for any organization, right? सेकेंडली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डोमेन चाहिए. आई विल से ये यूज करेंगे, बार बार हमने टेस्ट किया था ना, यही यूज करके हमें एक्टिव डायरेक्टरी भी बिल्ड करेंगे. क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? अभी तक हमने कितने क्लासेस, अराउंड अराउंड 20 क्लास खत्म किया. यहाँ तो जस्ट गिव मी वन वन डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस द इंफ्रास्ट्रक्चर टिल सर्वर लेवल इज प्रोवाइडेड बाय द यस प्रोवाइडर यस. इन सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होल पैकेज विल बी गिवन लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओके जस्ट वी नीड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन. ओके, सो इस केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे मेरा मेरा एम क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी बिल्ड करनी है. एक्टिव डायरेक्टरी किस लिए बिल्ड करना है आपने पता है? ओके, जस्ट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मोर सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी बिटवीन ईच एंड एवरी यूजर अक्रॉस द ग्लोब विद इन अ कंपनी, राइट? सो देर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इन एज्योर, इन एज्योर आई एम टॉकिंग अबाउट. अनदर वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ओके, नॉर्मली कैसे रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को थोड़ा साइड में पार्क करेंगे. नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो में कैसे रहता है, यू हैव ऑफिस इन यूएस, ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस इन यूके, ऑफिस इन सिंगापुर, ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया, सिंगापुर. समझो एक एक ऑफिस में एक एक डोमेन कंट्रोलर बिठाया, दैट मीन्स अराउंड 5 डोमेन कंट्रोलर है, या एक एक जगह पे दो दो है रेडंडेंसी के लिए. सो 10 डोमेन कंट्रोलर बिठाए हैं, 10 सर्वर्स, दैट मे बी अ फिजिकल सर्वर और मे बी अ वर्चुअल सर्वर, डजेंट मैटर. सर्वर मीन्स सर्वर, आई नीड अ विंडोज सर्वर्स टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी. ओके, ये सब ये सारे सारे के सारे वॉट डोमेन्स को मैं किस पे कन्फिगर करता हूँ, ओके समझो ये है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम. सो इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस हियर, जैसे इधर कोई एक्सेस करने के लिए कोशिश करता है, अमित एट द रेट ये रहा अमित का ईमेल आईडी. और अमित अगर लॉगिन करना है, समझो कैसे लॉगिन करेगा, स्लैश अमित. ओके,
अगर सेम इफ अमित वांट टू एक्सेस मेल बॉक्स, आउटलुक में जाके ये आईडी के थ्रू मेल बॉक्स ओपन करेगा। सिस्टम में लॉग इन करना है तो ये, सर्वर में लॉग इन करना है तो ये, वीपीएन में लॉग इन करना है तो ये, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स, एग्री? That's correct, yeah. ओके, नाउ आई वांट टू यूज सेम थिंग इन एज्योर एज वेल। सेम चीज मुझे एज्योर में भी इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आई शुड नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन माई ऑफिसेस एज वेल एज एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफिसेस इन द सेंस दिस माइट बी अ डेटा सेंटर, दिस माइट बी अ ऑफिस, दिस माइट बी अ रिमोट ऑफिस, दिस माइट बी अ डीआर डेटा सेंटर, एनीथिंग, राइट? और वापस अभी तक हमने नेटवर्क क्लासेस में क्या क्या सीखे? दे ऑल आर कनेक्टेड इन अ प्राइवेट नेटवर्क लाइक दिस, एवरीथिंग इन अ प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर समझो, इसका 10.1 है आईपी, इसका 2 है, इसका 3 है, इस साइड का 4 है, इस साइड का 5 है, इसका 100, 10.100 से एजर में दिया हूँ मैंने, बाकी सब रिजर्व करके रखा है मेरे लिए कुछ फ्यूचर यूसेज। सो 10.100 से सब एजर में रहेगा। तो ये मेरा डिज़ाइन है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्टिव डायरेक्टरी 10.1 डॉट, इधर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रहेगा, उसका आईपी रहेगा 10.1.60.99 समझो, इसका 2.1.88 एंड सो ऑन। कोई तो रैंडमली आई पीस रहेगा ना। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एनएस लुकअप ऐसे दे देंगे, देन इफ आई हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिगर्ड, नीचे मुझे 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसमें भी एक वीएम बिल्ड किया हो दैट ऑल्सो एक्टिंग एज ए डोमेन कंट्रोलर, देन 2, 2, 2, 2, 10, यहाँ पे 2, 12 डोमेन कंट्रोलर रहेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे आउटपुट में, नीचे 12 एंट्री मिलेगा। ओके, सो अगर एज्योर में, क्या एज्योर में क्यों है ये दोनों एज्योर में क्यों? एज्योर में समझो कुछ 500 सर्वर है, राइट? 500 सर्वर है एज्योर में। फ्रॉम इंडिया यू आर ट्राइंग टू आरडीपी इनटू दिस मशीन। अगर ये सर्वर पे तुम लॉग इन कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड दोगे, तो ये सर्वर क्या करेगा, अब जो यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया ये इसको भेजेगा, भाई तू चेक कर ले बराबर आई क्या नहीं यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ दिस सेड ओके देन यू लॉग इन टू दिस सर्वर। इसके लिए यहाँ पे भी एक एक या दो, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड्स यू कैन हैव मल्टीपल डोमेन्स, और सॉरी डोमेन कंट्रोलर्स। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? So मैं domain रिपीट, controller means yeah, can you just डोमेन explain that? कंट्रोलर आई शो यू, आई बिल्ड द लैब एंड आई शो यू हाउ वी कैन यूज द डोमेन कंट्रोलर, हाउ वी कैन कन्फिगर, हाउ वी इंटीग्रेट, हाउ यू मैनेज। ओके, बट फिलहाल ये समझो कि डोमेन कंट्रोलर एक सर्वर है जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी का सर्विसेज चलते रहेगा, विच विल बी यूज टू मैनेज योर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इन ईच लोकेशन इंडिविजुअली। तो सपोज तो मैंने मैंने अभी लॉग इन किया, ओके, इन एजर जो आपने 500 एंड जो एक्टिविटी का सर्वर का दिया है, तो इसमें जो 500 वाला ये डोमेन कंट्रोलर रहेगा, और इन बिटवीन वॉट फाइव हंड्रेड? द वॉट फाइव हंड्रेड? नहीं, आपने आपने कुछ 500 लिखे है, राइट? वो एजर के फाइन जो आई सेड 500 सर्वर है एज्योर में। 500 सर्वर है, ओके, 500 सर्वर, वन ऑफ द सर्वर हाँ मैंने अभी मेरा रिक्वेस्ट वहां पे गया, ओके, हाँ हाँ वहां से फिर एक्टिव डायरेक्टरी को गया भाई, नहीं 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 वो 500 सर्वर में से कोई तो एक सर्वर है, इंडिया में बैठ के आप लॉग इन कर रहे हो, राइट? दैट्स एंटर, करेक्ट, व्हेन यू से एंटर इट विल आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब तब क्या दैट्स करेक्ट, दोगे आप, यूजर नेम एंड ये पासवर्ड, यूजर नेम दोगे और जो पासवर्ड है आपका पासवर्ड दोगे। ये दोनों दैट्स करेक्ट, इधर भी है डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये सर्वर यहाँ पे एश्योर में, इसका नियरेस्ट कौन सा है? ये, इसके पास जाएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा और बोलेगा भाई ये अमित का यूजर नेम पासवर्ड बराबर है क्या नहीं चेक करो। देन एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर विल से यस ही इज
His account is active, his password is right, and he has the rights to log in into this server. And if the Active Directory says okay, then you will be able to log in into this server. Otherwise, it will simply say wrong password, user ID or password is wrong, or user doesn't have a permission. कोई तो एरर आएगा. तो मेरा जो रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट जो जाता है, ओके, वन ऑफ द 500 दैट डिपेंड्स. सर्वर। नो, दैट डिपेंड्स हाउ यू कॉन्फिगर इट. डोंट गो इन डिटेल इन द ग्रैनुलर लेवल. इट इज हाई लेवल व्यू व्हाट आई एम सेइंग. ओके, वो रिक्वेस्ट मुझे कहाँ, कौन सी रिक्वेस्ट किधर भेजना है, देन आई विल डिसाइड व्हेन व्हेन आई एम डिप्लॉइंग द सर्वर. ओके, इसके लिए वेट फॉर 15 मिनट्स, आई विल शो यू व्हेन दैट पॉइंट अराइजेस. ओके, आपका डाउट समझा. ओके, इधर सर्वर है, इसके पास क्यों भेजना है, यहाँ पे है ना, इधर भी ऑथेंटिकेट कर सकता है ना. दैट इज वॉट योर इंटेंशन, राइट? यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ, मतलब या ओके, दैट विल कवर व्हेन वी आर डूइंग द लैब सेटअप. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ इट वर्क्स. वो हाई लेवल ओवरव्यू में ये कैसे मैनेज होगा, इतना ही समझो. ओके, लो लेवल में वापस हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम कर रहे हैं. ओके, नाउ दिस ऑल कम्स अंडर इन. ओके, ये सब ट्रेडिशनल है, 1 2 3 4 5, ये सारे 5 लोकेशंस कम्स अंडर ऑन प्रीमिस बोलते हैं इनको, राइट? एग्री? वन अच्छा टू थ्री फोर फाइव. और एजूर के अंदर ये 500 सर्वर, ये जो भी एडी सर्वर्स दो बोल रहा हूँ, या कुछ और सर्वर्स है इधर उधर एजूर में, दो सर्वर्स यू कॉल इट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कॉम्पोनेंट्स. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर यहां तक? दिस यू कॉल इट एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कॉम्पोनेंट्स. ऑल दीज थिंग्स यूल से ऑन प्रीमिस. उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, वो सब दूर की बात है. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? नाउ विथ इन एजोर, इफ आई लॉग इन टू एजोर, लेफ्ट साइड में एजोर एक्टिव डायरेक्टरी करके एक है, राइट? ये देखो यहां पे, राइट? ओवरव्यू, लेट्स सी. एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इज डिफॉल्टली प्रोवाइडेड कॉम्पोनेंट बाई माइक्रोसॉफ्ट. बस ज्यादा मत अंदर जाओ. क्या बोल रहा है, व्हाट इज एजर एक्टिव डायरेक्टरी? इज क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस विच हेल्प यू टू एम्प्लॉय साइन इन एंड एक्सेस द रिसोर्सेज. समझा? लॉग इन करके चेक करना है. हाँ बराबर है, यूजर ऑथेंटिकेशन होगा, लॉग इन करेगा और कुछ एक्सेस है तो एक्सेस करेगा, एक्सेस नहीं है तो देन यू विल गेट एन एरर, यू डोंट हैव परमिशन. राइट, इसका क्या काम है? सेम थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इधर जो काम चल रहा है, ये एक्टिव डायरेक्टरी, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी भी वही काम करेगा. देर इज नथिंग न्यू इन इट, बट दिस इज डिफॉल्टली प्रोवाइडेड बाय एजोर, एंड दिस कॉम्पोनेंट यू कॉल इट एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है, सब कुछ रेडी रहेगा, सब कुछ रेडी रहेगा, यू जस्ट हैव टू यूज इट, दैट्स इट. ना सर्वर बिल्ड करने की जरूरत नहीं, ना एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बिल्ड करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करने का और लाइसेंसेस डालने की जरूरत नहीं है, एंड यूजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली और ऑटोमेटेडली. ये सब चीज़ें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है. यू हैव एवरीथिंग रेडी. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या है, यू हैव एवरीथिंग रेडी, यू जस्ट क्रिएट अ यूजर एंड गिव अ परमिशन. जस्ट क्रिएट अ यूजर, गिव परमिशन. ये सब कहाँ से मैनेज होगा, आपको कुछ लेना देना नहीं, एजोर देख लेगा खुद ही, राइट? रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दिस सेटअप एंड दिस कॉम्पोनेंट. दिस कॉम्पोनेंट इज ओनली दिस कॉम्पोनेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, ऊपर जाके यहाँ पे सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर पे लॉग इन करके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे और कन्फिगर करेंगे, यूज करेंगे, दैट इज एंटायरली डिफरेंट. एंड ये जो कॉम्पोनेंट है, दिस इज एंटायरली डिफरेंट. कंसिडर दिस एज ब्लाइंडली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है सिनेरियो एंटरप्राइज लेवल का,
स्टार्टअप कंपनी में क्या है भाई, कुछ नहीं है, 20 लोगों का है। एक घर में ऑफिस चालू किया, उनको बोला कि ना डेटा सेंटर नहीं है, ना ऑन प्रीमाइज, ना एजोर, ना क्लाउड, ये सब बंद कर दो, कुछ नहीं। एजोर में कुछ सर्वर्स डिप्लॉय करेंगे एंड हमारा बिजनेस चलाएंगे। इस केस में 20 एम्प्लॉई है, राइट? 20 एम्प्लॉई ऑल आवर डेवलपर्स। 20 लोग सुबह आएंगे लैपटॉप लेके काम करेंगे, शाम को जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है शॉर्ट स्टार्टअप में, इमेजिन। उनको इतना ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिंगल साइन ऑन, मेल बॉक्स वगैरह वगैरह जरूरत है क्या? नहीं ना। सिंपली व्हाट दे नीड, हाँ ये बंदा ये काम करेगा, इसको ये परमिशन चाहिए। देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली लॉग इन टू अजूर पोर्टल, आई एम द ओनर ऑफ द पोर्टल, राइट? 20 लोगों का यहाँ पे 20 ID बनाऊंगा और 20 पासवर्ड सेट करके उन सबको मेल डाल देता हूँ। भाई ये तुम्हारा एजोर का पोर्टल है, इसमें लॉग इन करो, ये दिस इज योर ID, दिस इज योर पासवर्ड। उसमें मैं राइट परमिशन सेट करता हूँ। हाँ, एक दो टेस्टर है, दो डेवलपर्स है और 2 लोग मॉनिटरिंग टीम वाले, फलाना सेग्रीगेशन। देन वंस दे लॉग इन इनटू द पोर्टल, दे कैन ओनली सी व्हाट व्हाट आई हैव सेंट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो दिस इज स्टार्टअप। इनके लिए अभी तक मैंने जो डिस्कस किया था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ऑन प्रीमाइज में एक सर्वर बिठाएंगे, एक एक कंट्री में या एक एक लोकेशन में एक सर्वर बिठाएंगे, एज्योर में भी कुछ 500 सर्वर है, उधर भी एक एक्टिव डायरेक्टरी बिठाएंगे, इतना सारे इंफ्रा इनको जरूरत है क्या? नहीं ना। दे रियली डोंट बोदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे सिंपली वॉन्ट एज्योर। जितना कम कॉस्ट में हो सके उतना कम कॉस्ट में उनका बिजनेस चलाना है। उस केस में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, दिस विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ। अगर आप प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट नहीं लोगे, मतलब प्रीमियम सर्विस नहीं लोगे, देन विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे जाओ क्लिक करो। ओके, दिस इज योर एक्टिव एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स ग्रुप्स। ओके वन सेकेंड, बालाजी कोई साउंड खिंचवा, यूजर्स एंड ग्रुप्स यहाँ पे जाओ सिंपली, और कुछ यूजर्स रहेगा, इग्नोर दीज यूजर्स, पुराना क्लास में जिसको क्लास लिया था उनका है, ठीक है? न्यू यूजर सिंपली आई विल से क्रिएट यूजर, जो भी डिटेल से फिल करके एस क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड भी रहेगा कहीं, तो देखिए कहाँ पे पा, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी नहीं, एक मिनट है। हाँ ये देखो पासवर्ड अभी एनेबल हुआ, पहले नहीं था, राइट? लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड, आई विल सेट द पासवर्ड, आई विल मेल इट टू समवन हु न्यूली ज्वाइंड। बोलेंगे भाई ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, रोज तुम आके इस पे लॉग इन करो, और व्हाट इज योर ड्यूटी, जस्ट मैनेज योर ड्यूटी। उसको बताता हूँ मैं क्या करना है भाई, आके पोर्टल में, इफ ही इज इंटेलिजेंट इनफ, इफ ही इज अ डेवलपर, ऐप सर्विस है एक, उस ऐप सर्विस में उसका जो भी कोड है वो कोड डेवलप करके टेस्ट करते बैठेगा, उसको उतना ही परमिशन दूंगा। आई डोंट रिक्वायर एनी एक्टिव डायरेक्टरी, आई डोंट रिक्वायर एनी सर्वर, आई डोंट रिक्वायर एनी नेटवर्क, आई डोंट रिक्वायर एनी फायरवॉल, नथिंग। सिंपली एक यूजर क्रिएट करेंगे और एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है एजुर में, जिसपे आपका कोड आप कॉपी पेस्ट करके टेस्ट कर सकते हो दिन भर, राइट? डेवलपर्स को और क्या चाहिए? यू गॉट माई पॉइंट, राइट? सो उस केस में सिंप्लीफाई करने के लिए दिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपोनेंट पिक्चर में आता है। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू मैनेज, नो नीड टू वरी अबाउट मैनेजिंग द एंटिटीज और पासवर्ड्स और अदर स्टफ, और आपका यूजर आईडी किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं। जितने जितने यूजर है, जितना एम्प्लॉय है, उतना यूजर बनाओ यहाँ पे, यूज करो, दैट्स इट, डन। देर इज नो रिलेशन बिटवीन योर ऑन प्रीमाइस एंड एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इन स्टार्टअप सिनेरियो। स्टार्टअप का सिनारी में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यूजर बनाएंगे पोर्टल के अंदर ही और उनको मेल डालेंगे, भाई ये यूजर नेम पासवर्ड इतना ही है। बट उन लोग क्या करेगा, एसेट मेरा पास लैपटॉप देने के लिए भी क्या बोलते हैं कॉस्टिंग नहीं है, ब्रिंग योर ओन लैपटॉप्स, उनके घर के ही लैपटॉप लेके आएंगे, उन लोग एक्सेस करेंगे चले जाएंगे। दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देयर लैपटॉप्स। उन लोग लॉग इन करेगा, मैं जो यूजर नेम पासवर्ड दिया हूँ वो यूज करके दे स्टार्ट वर्किंग एवरी डे। नो आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दीज टू, देन देर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे भी एडी चाहिए, यहाँ पे भी एडी चाहिए, देन दैट इज
एंटरप्राइज लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टार्टअप वाला सिनेरियो समझ में आया आपको? ओके इस केस में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, मुझे यही डोमेन चाहिए। नाउ कनेक्ट विथ एज्योर, दैट इज डीएनएस जोन के साथ, जोन ए करो, थर्ड कनेक्ट विथ एज्योर एडी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसके साथ कनेक्ट करो, क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स, मैनेज फॉर स्टार्टअप्स एसेट। ये चार स्टेप करोगे देन योर स्टार्टअप कंपनी इज रेडी विथ ऑल द यूजर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कैसे? I have domain. Do I have a domain? Yes, I have a domain. Okay, say, let's start. I'll go to GoDaddy. Okay. So I have this. Go to DNS. Already DNS configure किया हुआ है. Last time हमने बहुत सारे testing और हर एक class में जो भी किए, right? I have a domain. Now I want to integrate this domain into my Azure. So how to do that? Go to Azure. What is first step? DNS zones. Agree? Domain है. और डीएनएस जोन क्रिएट करो, क्रिएट ए डीएनएस जोन, ओके junya.co.in, राइट। सो रिव्यू create. Done. So let it create. Yes, I'll put it on mute, everyone. Okay, DNS has been created. Let me see if we have multiple resource groups. Okay. Fine. So refresh, you'll see some other component. Yes, DNS zone is there. Now go to DNS zone. See what all the entries we have. 06 का आया है, right? यहाँ पे आके चेक करो, ये 06 है, कुछ और है, 06 ही है बराबर। So no need to modify, right? Otherwise कैसे modify करना है आपको पता ही है, right? Now I want to use this domain in my Azure AD. Azure AD में connect करना है, Azure AD मतलब platform as a service वाला, कहाँ पे? यहाँ पे। So just open up, open it in new tab. Watch carefully. Okay. Now, यहाँ पे, if you scroll down, multiple options. We'll see some of them later. Custom domain names. ओके कस्टम डोमेन नेम्स, यहाँ पे आप कस्टम डोमेन नेम्स दे सकते हो। मैंने दूसरा क्लास लिया तब ये कस्टम डोमेन दिया था, जस्ट लीव दिस। बाय डिफॉल्ट व्हेन आई रजिस्टर माई सेल्फ इन टू एज्योर यू विल गेट दिस एज योर डिफॉल्ट प्राइमरी डोमेन, मीन्स
अगर यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज माई यूजर नेम, ईमेल आईडी, राइट, वही ईमेल आईडी क्लब हो जाएगा 197outlook.onmicrosoft.com. onmicrosoft.com इज द डोमेन विच डिफॉल्टली प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. आपको यहाँ पे ये यूज नहीं करना है. इफ यू वॉन्ट टू यूज इट, यू कैन यूज दिस डोमेन बाय द वे. कैसे? हाँ, मुझे ऐसे ही लॉग इन देना है सबको, तो दे सकता हूँ. यूजर बनाओ. ओके, न्यू यूजर. यहाँ पे देखिए, अमित एट द रेट, ये पूरा नाम आएगा, ये है. अब अमित को लॉग इन करते वक्त कैसे देना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए portal.azure.com में. जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ये बाय डिफॉल्ट लॉग इन हो जाता है मेरे अकाउंट से. साइन इन विथ डिफरेंट अकाउंट. ये पूरा देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा लॉग इन करते वक्त. दिस लुक्स वेरी ऑड, राइट? सो इससे अच्छा कस्टम डोमेन यूज करेंगे. कस्टम डोमेन क्या था? मैंने सेलेक्ट किया कस्टम डोमेन ये. सो उसको कैसे रजिस्टर करना है, दैट विल सी. सो आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी यूजर विद दिस नेम. ओके, नाउ गो टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी. यहाँ पे कस्टम डोमेन्स, ये जो भी कस्टमर डोमेन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ. जो पुराना ये चला गया. रिफ्रेश, हैज़ बीन स्केड्यूल फॉर डिलीशन. ओके फाइन, वो डिलीट हो जाएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं. नाउ आई वॉन्ट टू ऐड माई ओन कस्टम डोमाइन. कैसे करना है? jonye.co.in, राइट, दिस इज द डोमाइन. जस्ट क्लिक ऐड डोमाइन. डोमाइन तो ऐड हो गया. ये बोल रहा है कि टू यूज दिस डोमाइन विथ योर एज्योर आईडी, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट रिकॉर्ड इन विथ योर डोमेन नेम रजिस्टर्ड विथ बिलो इन्फो. अगर आपको ये यूज करना है, मतलब आपने दे दिया कुछ तो आंग बंद करके, बट ये जेन्यून है या नहीं है, ये डोमेन सच में आपका है क्या नहीं, वो कैसे वैलिडेट करेंगे? मैंने ऑलरेडी उस नाम से एक डीएनएस जोन क्रिएट किया हो और डीएनएस जोन उधर पॉइंट किया भी हो, कहाँ पे? गोडैडी में. मुझे गोडैडी में ये डोमेन है मेरे नाम पे. आई एम द ऑथराइज पर्सन फॉर दिस डोमेन एंड आई हैव अपडेटेड दिस रिकॉर्ड्स, मीन्स आई एम द ओनर ऑफ दिस डोमेन. सो यहाँ पे मैंने डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट किया हो, ये डीएनएस रिकॉर्ड इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी में, ताकि एडी एडी समझेगा कि हाँ ये shatgunia.co.in मेरा ही है, आई कैन यूज इट नाउ. इसलिए नीचे जो है वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन विल नॉट सक्सीड अंटिल यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर डोमेन विथ योर रजिस्टर्ड एट डिस्क्राइब्ड अबव. ओके, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं. कैसे करना है? गो टू डीएनएस जोन, क्रिएट अ रिकॉर्ड सेट. रिकॉर्ड सेट क्या क्रिएट करना है? यहां पे देखो, एलियास नेम क्या था, कॉपी द एलियास नेम एंड पेस्ट द एलियास नेम हियर. ओके, व्हाट इज द टाइप? रिकॉर्ड टाइप टीएक्सटी. सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप टीएक्सटी. ओके, और क्या है? डेस्टिनेशन टू और पॉइंट टू एक्सेस, ये कुछ तो रैंडम नंबर दे दिया. कॉपी दिस रैंडम नंबर एंड पेस्ट इट हियर, दिस इज द वैल्यू, राइट? और टीटीएल, ट्रांसैक्शन टाइम लिमिट 3600 सेकेंड्स, बाय डिफॉल्ट 3600. डन, क्लिक ओके. सो यहां पे रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, मतलब नाउ रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड. इफ यू क्लिक वेरीफाई, दिस विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएनएस जोन. दिस डीएनएस जोन, दिस रिकॉर्ड विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू दिस डीएनएस नेम्स. दिस डीएनएस नेम्स विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू
this, and GoDaddy will confirm yes, this is the domain. It has सच में है करके ये बताएगा. ओके, नाउ जस्ट वेरीफाई. यस, सक्सेसफुली वेरीफाइड. नाउ योर Sorry, डोमेन. one second. या Once you complete this, can you show us the flow once in the diagram, like how the flow is यस going? यस 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 इसलिए इसके लिए वीडियो जरूरी है और बहुत कंफ्यूजिंग है. ठीक है, आई विल हाँ, एक्सप्लेन. एक बार अगर ड्रॉ करेंगे आप तो इजी हो जाएगा, वो समझने में वेरी थोड़ा इजी सिंपल. होगा. नहीं, पहले गोडेडी में डोमेन ले लो, उसके बाद डीएनएस जोन क्रिएट करो, उसके बाद एडी के साथ कनेक्ट कर दो. एडी के साथ कनेक्ट करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे स्टेप है वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्रिएट रिकॉर्ड सेट इन डीएनएस जोन. राइट, ये डीएनएस जोन में यहाँ पे रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया हूँ. पहले रिकॉर्ड सेट क्रिएट करके देन क्लिक वेरीफाई ऑन एडी. समझे क्या, इतना ही स्टेप है बीच में, अगर इन डिटेल लिखना है तो. या ओके गॉट इट? सो पहले इधर इधर लॉग इन किया हो, ये डोमेन है नीचे. ये कैसे देना है आपको पता है, यहाँ पे आके एजोर में डीएनएस जोन क्रिएट करो और जो वैल्यूज आया यहाँ पे प्लेस कर दो, डन. उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाओ. एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे, जस्ट क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, यू विल गेट दिस पेज. यहाँ पे कस्टम डोमेन्स में आ जाओ, ऐड अ कस्टम डोमेन, डोमेन का नाम दे दो ऐड डोमेन. वो बोलेगा नीचे वेरीफाई बटन. वेरीफाई बटन से पहले वो खुद ही एक कुछ वैल्यूज देगा, वो वैल्यूज कॉपी कर ले और यहाँ पे आके रिकॉर्ड सेट क्रिएट करो. वंस रिकॉर्ड सेट इज क्रिएटेड, कम हियर वंस अगेन एंड क्लिक वेरीफाई. इफ यू क्लिक वेरीफाई देन यू विल सी योर डोमेन इज वेरीफाइड एंड सक्सेसफुली एडेड हियर. ओके, वंस दिस इज एडेड यू कैन मेक दिस एज अ प्राइमरी. इफ यू मेक दिस एज अ प्राइमरी, ये जो डिफॉल्ट डोमेन है ये हट जाएगा मेरा. यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, कुछ डिफॉल्ट करके, राइट ये हट जाएगा. फिलहाल मेरा डिफॉल्ट कौन सा है, मैंने जब लॉग इन किया, जब मेरा आउटलुक का अकाउंट है तो ये मेरा डिफॉल्ट डोमेन है. राइट, दिस इज माई डिफॉल्ट डायरेक्टरी डोमेन. इफ आई से दिस इज माई डिफॉल्ट डोमेन मेक एज अ प्राइमरी, यहाँ पे ये पूरा एरेज हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इन इन योर रियल टाइम. समझे क्या, इफ आई प्लेस इट, आई मीन इफ आई प्लेस लाइक दैट देन आई नीड टू कीप माई डी एन एस जोन, आई नीड टू कीप माई गोडैडी, एवरीथिंग इंटैक्ट. एवरी डे आई विल गेट अ बिल. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक ट्रांसेक्शन, हर बार मैं जब लॉग इन करता हूँ तो उसका अलग से बिल आएगा, एक एक ट्रांसेक्शन का, पर मंथ 2 रुपये 3 रुपये जो भी है. बिकॉज डीएनएस रिकॉर्ड हैज ट्रांसैक्शन लिमिट, 10,000 रिकॉर्ड्स और 10,000 ट्रांसैक्शंस पर मंथ फ्री, उसके बाद बिलिंग होगा, वैसे कुछ तो रहेगा ना उसका, तो उस बेसिस पे बिलिंग आता है. दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट. नाउ डोमेन इज एडेड, आफ्टर द डोमेन इज एडेड क्रिएट अ यूजर्स, मैनेज यूजर्स फॉर स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली कम हियर यूजर्स. ओके, क्रिएट अ यूजर. ओके, अमित, आई विल से AZ अंडरस्कोर अमित, बिकॉज एजूर के अंदर है इसलिए AZ अंडरस्कोर दे रहा हूं. शटगुनिया डॉट को डॉट इन इज अमित, लास्ट नेम जो भी है आई डोंट, इतना मुझे पता नहीं इसलिए कुछ दे नहीं रहा हूँ. लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड, ओके ये सब देना है तो दे दो, कौन से लोकेशन से यूज करना है, कौन सी ग्रुप में परमिशन देना है, एवरीथिंग यू कैन गिव इट. अदरवाइज सिंपली क्रिएट अ यूजर. यूजर हैज बीन क्रिएटेड अमित, ईमेल आईडी देखिए, ये है अमित का ईमेल आईडी.
ओके, इफ यू सी ऑल द अदर यूजर्स दिख रहा है कि ये इग्नोर दिस, व्हेन वी इंटीग्रेट आवर ओन डोमेन अगेन यू विल गेट सम अदर यूजर्स लाइक दिस, ये आप छोड़ दो, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिस इज माई डिफॉल्ट यूजर, व्हेन आई लॉग इन विद दी माई जी मेल आई डी, व्हेन आई सॉरी जी मेल और आउटलुक, व्हेन आई क्रिएट दी एजर पोर्टल एजर अकाउंट माई सेल्फ, दिस इज द डिफॉल्ट अकाउंट. नाउ आई क्रिएटेड वन मैनुअल यूजर विथ माई कस्टम डोमेन. ओके, इवन आई कैन लॉग इन विथ दिस. हाउ टू लॉग इन, यहाँ पे आ जाइए, एजेड अंडर स्कोर अमित एट डॉट को डॉट इन, राइट. नेक्स्ट, इट विल आस्क फॉर पासवर्ड चेंज. ये देखिए, डन. नाउ यू लॉग्ड इन टू, देखिए, विद दिस यूजर. एंड इफ आई वांट टू सी ऑल द रिसोर्सेस, यस आई कैन सी द रिसोर्सेस, नथिंग. So you have to add him resource group, right? I think once you create the user, then user, that's it. I gave a user, okay, but I haven't given any permission. That is the reason why welcome to Azure, kuch to create karo. ओके, एक सिंपल यूजर है, लॉग इन किया, उसको कुछ परमिशन नहीं है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एंड ही कैन नॉट सी व्हाट आई हैव अनलेस अंटिल आई गिव द परमिशन, ही कैन नॉट सी. ये तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा, अगर समझो रिसोर्स ग्रुप में क्लिक करेंगे, मेरा रिसोर्स ग्रुप इसको दिखना तो चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज फॉर 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 दिस अकाउंट इट्स ब्रांड न्यू फॉर एज्योर. अजो सोच रहे कि ये ब्रांड न्यू अकाउंट है, लॉग इन किया बराबर है, लॉग इन कर दिया, बट हमने यहाँ पे कुछ परमिशन ही दिया नहीं, तो कैसे होगा काम, नहीं होगा. देन व्हाट आई विल से, आई कैन गिव परमिशन एट डिफरेंट लेवल्स. आई विल गो टू रिसोर्स ग्रुप, मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है ये रहा. इस रिसोर्स ग्रुप में आई एम में जाके add a role assignment, yes, assign some role, to whom I need to assign, which role I should assign, I will say reader permission, only he can see, az Amit, let's go, de do permission, done, assignment is successfully done. अभी वापस आ जाओ, यहाँ पे गो टू होम, यहाँ पे जाके रिसोर्स ग्रुप में जाइए, यू शुड सी सम रिसोर्स ग्रुप नाउ, स्टिल नॉट कमिंग अप, लेट मी लॉग आउट एंड वंस लॉग इन अगेन. नॉट दिस अकाउंट, सॉरी, this account, right? Password. Okay, now you'll see resource group. ये देख, अभी रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है जब मैं परमिशन दिया था, और अगर मुझे यहाँ पे आके मेरा मेरा मेन अकाउंट है ना, इसमें देखो और बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप है, राइट, बट अमित को मैंने एक ही दिया, तो अमित जब लॉग इन करेगा उसको एक ही दिखेगा, बाकी कुछ दिखता नहीं, नीचे क्या है ऊपर क्या है. गॉट इट? यस. ओके, दिस इज हाउ, इमेजिन दिस इज हाउ स्टार्टअप्स वर्क्स. सिंपल, लॉग इन करो, कस्टम डोमेन लो और उसके साथ इंटीग्रेट कर दो,
परमिशंस दो और आस्क देम टू क्रिएट अ एप्लीकेशन और क्रिएट अ एप्लीकेशन और डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करने के लिए कोड डिप्लॉय करने के लिए ऐप सर्विस जो भी है दे कैन क्रिएट एंड दे कैन यूज इट. ओके नाउ दिस इज देर इज नथिंग टू डू विथ योर ऑन प्रीमाइस. ऑन प्रीमाइस में अगर हमें कुछ टच किया क्या एडी वगैरह कुछ टच किया नहीं ना. सिंपली बाई यूजिंग डिफॉल्टली प्रोवाइडेड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके जस्ट गिव मी वन मोमेंट समवन इज कॉलिंग. हेलो यस मैं क्लास नहीं नहीं श्रीनिवास बोल रहा हूँ. मैं क्लास में हूँ बाद में फ़ोन करूँ क्या मैं? ठीक है ये क्लास होने के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ. थैंक यू. या सॉरी यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे गया विदाउट एनी सर्वर विदाउट एनी लाइसेंस विदाउट एनी थिंग आई सिंपली क्रिएटेड माई कस्टम डोमेन and created some users and assigned some roles, ask them to do the job on a daily basis. This is the startup kind of setup. Ye samjha ya nahi samjha? Okay, then I'll say this is platform as a service component. ओके यहाँ पे हमें कुछ एडी वगैरह बिल्ड किया क्या नहीं ना? नहीं. ओके मैं और ऑन प्रीमाइज में एक यूजर है उसका उसका इसका कुछ लेना देना है क्या नहीं ना? नहीं. ओके सिंपली मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम एज्योर इटसेल्फ. ओके नाउ द सेकंड पार्ट इज फिफ्थ. लेट मी ओपन अप. और किसी को तो आज सिखाया था उसका पॉइंट्स अच्छा लिखा मैंने. बिफोर आई फॉरगेट किसका इसमें सेव किया मैंने लेट्स सी. या आई डू नॉट आई जस्ट कॉपी दिस. ओके जस्ट फॉर माय रेफरेंस रादर देन स्ट्रेसिंग टू मच. ओके नाउ कमिंग टू सेकेंड सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो क्या था? लेट मी ओपन अप द पेंट. यही है ना एक्चुअल सिनेरियो. नाउ व्हाट आई डिड ये बॉर्डर वाला छोड़ दो. अभी तक मैंने क्या किया था? बस यही टेस्ट किया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. इस पे शटगुनियर जो भी अकाउंट है वो इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया और पोर्टल के अंदर एक्सेस दे दिया. टेस्ट किया हो गया मेरा काम. राइट नो दिस इज नॉट द रियल टाइम सिनेरियो. व्हाट आई वांट टू डू आई वांट टू इंटीग्रेट माय ऑन प्रीमाइस विद दिस प्लेटफॉर्म सर्विस एज ए कंट्रोल कॉम्पोनेंट. मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई विल डू अभी मेरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वाला कंपोनेंट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है. इफ आई वांट एज़्योर सॉरी लेट मी क्लियर दिस ऑफ या इतना तो चाहिए. ओके आई हैव प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कंपोनेंट इन एज़्योर. व्हाट वाज दैट? एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी. राइट इसके अंदर मैंने क्या किया? एक कस्टम डोमेन सेटअप किया था. एंड एक यूजर भी क्रिएट किया हूं. फॉरगेट अबाउट अदर यूजर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग बिकॉज ऑफ द अदर क्लासेस. मुझे डिलीट करने के लिए टाइम नहीं मिला. ये सब छोड़ दो. एक यूजर क्रिएट किया अमित करके. राइट नाउ यहां पे अमित करके एक यूजर है. दिस इज लोकल यूजर विद इन द पोर्टल. नो आट एबल टू मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है. इन द सेंस एक ऑर्गेनाइजेशन भी है. नथिंग टू डू विथ माई एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी.
ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस समझो, ऑन प्रीमिस भी है एज्योर भी है. ओके इमेजिन दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इमेजिन ये भी एज्योर में ही है बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ऑन प्रीमिस में मैं कुछ मेरे पास कुछ है नहीं. इमेजिन आई हैव समथिंग ऑन प्रीमिस, सॉरी प्रीमिस पुणे. ठीक है, यहाँ पे पुणे में एक सर्वर रूम में एक ऑफिस में एक सर्वर है राइट. और एजोर में भी ईस्ट यूएस में एक विनेट क्रिएट किया हूँ, एक सर्वर डिप्लॉय किया हूँ राइट. ये दोनों को अभी तक हमारा जो क्लासेस जितने भी क्लासेस हुए नेटवर्किंग का राइट, नेटवर्किंग का अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, कैन वी एस्टैब्लिश साइट टू साइट वीपीएन बिटवीन दीज टू पुणे एंड एजोर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस इन US? Is it possible or not? Hello? Yes, possible. Possible? Now, Pune office may imagine 10.1 dot, sorry, 10.2 dot, 0.0/16. और Azure में मैंने दिया था 10.1.0.0/16. ओके इस सर्वर को क्या आईपी आएगा आपको प्रेडिक्शन के हिसाब से? 10.1.1.4. एग्री और डिसएग्री? ये वीनेट है, इसके अंदर सबनेट भी रहेगा, सबनेट के अंदर वर्चुअल मशीन भी है राइट. नाउ यहाँ पे ये भी एक सर्वर है ऑफिस में, इसका आईपी कुछ बल्तीच आईपी है, मान लो 10.2.99.167 कुछ तो. बट ये सर्वर एक दूसरे के साथ बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है प्राइवेट नेटवर्क में. लिंक करना पड़ेगा ना? हाँ करना पड़ेगा. नहीं आपका आवाज आ नहीं रहा है कुछ तो, सही से बोलो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क पेयरिंग. पेयरिंग? अरे भाई पेयरिंग का क्या, इधर पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. पेयरिंग इज बिटवीन टू लोकेशंस विद इन एज्योर. आई सेड ऑन प्रीमिस एंड एज्योर, देयर शुड बी अ साइट टू साइट वीपीएन. ओके ओके गॉट इट गॉट इट. ओके ये जो एरो जो लिखा हूं इसका मीनिंग है मेरा पुणे ऑफिस और एज्योर के बीच में वीपीएन ऑलरेडी है. आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट दैट अगेन. इमेजिन प्रीवियस क्लासेस छोड़ो मत. ओके अभी इस आईपी को पिंग कर सकता है कि नहीं प्राइवेट आईपी में ओवर द प्राइवेट नेटवर्क? इज इट पॉसिबल और नॉट? इतना ही है, यस और नो? एग्री? नाउ इफ आई इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2019 हियर, if I install a Windows server 2019 here and by using these two can I create one common domain called is it possible to install a domain controller like this? आपके prediction है, आपको पता है नहीं पता है वो judge नहीं कर रहा हूँ right? कैन आई ज्वाइन टू सर्वर्स? प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल में हाई लेवल में मैं ये बोल रहा था भाई ये देखो एक एक ऑफिस में एक एक सर्वर है, सबको कॉमनली एक डोमेन में ज्वाइन करता हो एंड आई सेड यहाँ पे आके एनएस लोग आप मारेंगे 10 एंट्री मिलेगा राइट. नाउ लो लेवल में दैट दिस इज हाई लेवल आई सेड ज्यादा अंदर मत जाओ उस टाइम पे. अभी बताओ इस केस में इज इट पॉसिबल टू ज्वाइन दीज टू सर्वर्स इन टू वन डोमेन
वो डोमेन में कैसे ज्वाइन करना है, उसका क्या स्टेप्स है, कॉन्फ़िगर क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बाद में देखेंगे. बट बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, बोथ मशीन्स आर टॉकिंग टू विथ ईच अदर ओवर द प्राइवेट नेटवर्क. एंड कैन दीज टू मशीन्स विल बी एडेड टू वन डोमेन, इज इट पॉसिबल, यस और नो? Yeah, Shriya, we can do. यस. So there will be only one domain controller, I think, right, in this नो case. नो, बोथ बोथ विल एक्ट एज अ डोमेन कंट्रोलर. ओके, Okay. इन दिस पिक्चर इज ऑन प्रीमिस ट्रीट, आई एम गोइंग टू प्रीवियस इमेज अगेन, डोंट कन्फ्यूज, डोंट कन्फ्यूज, प्रीवियस इमेज अगेन, दिस इज माई पुणे ऑफिस, आई एम सॉरी, सो सॉरी. ओके, दिस इज माई पुणे ऑफिस आई सेड, राइट, एंड दिस इज माई एज्योर यूएस आई सेड. इन दोनों को ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये दोनों को बाहर निकाल के मैंने अलग से ये पिक्चर बनाया हूँ, उतना ही है. आई होप यू गॉट दी. Yes, yes, yeah. So we can, yeah, definitely, yeah. आई होप यू गॉट द पिक्चर नाउ, राइट. एंड ऑल्सो दूसरा पिक्चर में मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए अलग से एक कोने में, अलग से एक कोने में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कुछ तो इधर लिखा था, राइट. इट इज स्टिल देयर इन माई लो लेवल डिजाइन, इट इज स्टिल देयर इन माई लो लेवल डिजाइन, इफ यू लुक एट. या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यस. ओके, सो इतना बड़ा इंफ्रा को मैंने छोटा करके एक सिनेरियो लिया, राइट. नाउ सॉरी, इसको कैसे कैसे ज्वाइन करना है वो सब बाद में देखते हैं. इफ दिस सिनेरियो इज ओके, देन फिलहाल मेरे पास तो करने के लिए ये सेटअप है ही नहीं, राइट. राइट. ओके, बट इमेजिन वैसे रहेगा ये सेटअप, इस पार्ट इज नॉट देयर बट इमेजिन इट इज ऑलरेडी देयर. वैसे समझो एक सर्वर बिल्ड करके उसमें ये डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो मैं. एक बार डोमेन कॉन्फ़िगर हो गया, आई कैन ऐड एन नंबर ऑफ सर्वर्स इनटू दैट डोमेन. इट इज वेरी सिंपल, आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. ओके. ओके, इसके लिए क्या स्टेप है, आई विल गिव यू द रेफरेंस वीडियो ऑन प्रीमिस में. इट्स वेरी वास्ट टॉपिक, आई कैन नॉट क्लब एवरीथिंग इनटू, आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. हेलो, और कम भी वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड. यहाँ पे कहीं तो एक्टिव डायरेक्टरी करके लिखा हुआ रहेगा. या देखिए ये वीडियो है, ये देखो ये वीडियो में क्या लगता है, विंडोज हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर एंड ऐड सर्वर्स. ओके, ये वीडियो अगर देखोगे ऑन प्रीमाइज में, मैन दिस वीडियो रिफर्स दिस पार्ट. ऑन प्रीमाइज में एक सर्वर कैसे बनाना है, उसमें डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ. ओके, लेट मी पेस्ट इट इन दिस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, रेफर दिस टू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओके, ये ऑन प्रीमिस के लिए रेफर करेगा. एंड कमिंग बैक टू माय पिक्चर, कैन आई डू इट ऑन एज्योर, मेरा हाथ में है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, आई कैन डू इट. कैन वी बिल्ड दिस सेटअप, कैन वी दिस कन्फिगर, एंड कैन वी जॉइन दिस टू, इज इट पॉसिबल और नॉट. आई एम सेइंग ये भी एजुर में, ये भी एजुर में, फिर भी इट रिक्वायर्स लॉजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ ऑफ देम. एंड इसको क्या बोलते हैं, यूजिंग सम कॉम्पोनेंट कॉल्ड एजुर एडी कनेक्ट. ओके, इज अ सिंपल टूल, ये यूज करके हम इस सर्वर में जो एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है ये, और मेरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डोमेन है, इसके साथ दोनों को सिंक कर सकता है. और इस एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमाइज में, एक लॉक एम्प्लॉई है, कंपनी का स्ट्रेंथ
1 लाख, उसमें बहुत सारे यूजर्स है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड रिसेप्शनिस्ट एवरीवन, बट टू होम आई शुड गिव एक्सेस टू एजर पोर्टल? एजर पोर्टल में किसको एक्सेस देना है? आई नो, आई एम श्योर, मेरे पास 10 ग्रुप है एडी ग्रुप्स जिसपे एजर एजर एडमिन्स हैं और डीबी एडमिन्स हैं एंड मैनेजर्स हैं, ऑल्सो बिजनेस ओनर्स एंड बिल्डिंग टीम, ऐसे कुछ अलग अलग बल्कि ग्रुप है। आई नीड टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ 1 लाख हाउ मेनी यूजर्स कैन गेट द एक्सेस ऑन माई एजर एक्टिव डायरेक्टरी। आई कैन कंट्रोल इट, राइट? सो इफ आई कनेक्ट बोथ ऑफ देम यूजिंग एडी सिंक, ऑल द यूजर्स विल रेप्लीकेट हेयर, यहाँ पे सिंक हो जाता है। सिंक होने के बाद आपका मर्जी है, जिसको एक्सेस देना है आप दे दो, जिसको नहीं देना है वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। यू गॉट द सिनेरियो नाउ? यस ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम बिल्ड विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ओके, लेट्स गो टू अज्योर एंड गो टू रिसोर्स ग्रुप्स। वी नेट वर्चुअल नेटवर्क्स, एड वी नेट, मैनेजमेंट वी नेट। इसमें मैनेजमेंट वी नेट क्यों दे रहा हूँ? ये सब मैनेजमेंट सर्विस ही इसमें रखता हूँ, प्रोडक्शन सर्विस नहीं। मैनेजमेंट सर्विस मीन्स बैक एंड, मुझे बिजनेस चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सर्विस इस वी नेट में रखता हूँ। और एडी सबनेट, एडी सबनेट क्यों? ये सबनेट में सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ही रखता हूँ। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? क्रिएट एसटीएस रिसोर्स ग्रुप, क्रिएट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लैब, यू हैव टू क्रिएट एज्योर वीएम एंड डीएनएस का थोड़ा मॉडिफाई करना जरूरी है। आई विल शो यू हाउ टू दैट। उसके बाद उस सर्वर के अंदर हाउ टू इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर एंड देयर सर्विसेस, और वो डोमेन कंट्रोलर सर्विसेस को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के साथ, एज्योर एडी मीन्स इमेजिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑन प्रीमाइज एडी और IaaS एडी सर्वर, ऑन प्रीमाइज एडी हो या विद इन द एज्योर IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस थ्रू एक VM क्रिएट किया, उसके अंदर एडी इंस्टॉल किया, इसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के साथ लॉजिकली कनेक्ट कैसे करना है? यूजिंग एडी अकाउंट, एजोर यूजिंग सॉरी एडी एजोर एडी कनेक्ट बोलते हैं इसको। वो कैसे करना है वो देखते हैं। उसके बाद ऑन प्रीमाइज में या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में देर इज नो डिफरेंस, कहीं पे भी क्रिएट कर दो और रिप्लीकेट हो जाएगा। क्रिएट यूजर्स एंड ग्रुप्स, वो यूजर्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में रिप्लीकेट होना चाहिए। जब रिप्लीकेट हो गया उनको परमिशन कैसे देना है वो भी दिखते हैं। ओके, जस्ट रिफ्रेश। सो श्री, हर एक मिनट में वी नीड टू हैव वन एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर क्या, और नो नॉट नो नो नो, एक एक बड़ा एक विनेट है, एक विनेट में 1000 सर्वर है और एक विनेट है उसमें भी 1000 सर्वर है। वो 1000 सर्वर ये 1000 सर्वर बात ही नहीं कर सकता है क्योंकि पेयरिंग नहीं है। अगर पेयरिंग रहेगा पूरा पेयरिंग में एक दूसरे के साथ सब बात कर सकता है, एग्री? सो दो विनेट के बीच में पेयरिंग हो गया, कहीं पे भी एक जगह पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बिठाओ, देन इट्स फाइन। वो सर्वर हर जगह पे एक्सेस होना चाहिए, इतना ही है।
ओके अंडरस्टूड. सो नॉट नीडेड टू, कंपलसरी नहीं है कि हर मिनट में एक एक्टिविटी होती है, कहीं नहीं, भी एक बेस्ड ऑन, एक्टिविटी होना चाहिए. हाँ, बेस्ड ऑन द लोड. अगर ज़्यादा लोड हो रहा है, इंफ्रा बहुत बड़ा है, देन यू नीड टू हैव मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स. एक सिंगल सर्वर पूरा लोड हैंडल नहीं कर पा रहा है, देन यू विल सी मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स. ओके, कितने डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स है मैंने बताया था, एनएस लुकअप, वो डोमेन का नाम दे दो, वो पूरा लिस्ट बताएगा, हाँ ये कंपनी में कितने डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स चल रहा है. वो एज्योर में होने दो, वो एज्योर में होने दो, ऑन प्रीमाइज में होने दो, इंडिया में होने दो, यूएस में होने दो, कहीं पे भी होने दो, कुछ फर्क नहीं. ओके, क्योंकि एडी एडी का जो डेटाबेस है वो क्या है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर है उन सब हर दूसरे के साथ वो डेटा एक्सचेंज करते रहते हैं. मान लो अमित इज लॉगिंग इन फ्रॉम पुणे. ओके, आज पासवर्ड एक्सपायर हो गया. ओके, और सॉरी, कोई तो ज्वाइन किया क्या, या कोई लेफ्ट किया. ओके, हाँ, अमित का पासवर्ड आज एक्सपायर हो गया. अमित ने पासवर्ड चेंज किया, वो जाके पुणे पुणे में एक सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, उसके डेटाबेस में सेव हो गया. कल सुबह अमित ट्रैवल टू बैंगलोर एंड उधर जाके लॉग इन कर रहा है उस सर्वर पे. अगर ये पासवर्ड उधर रेप्लिकेट नहीं हुआ, वहाँ पे पुराना ही पासवर्ड है, तो अगेन इट विल थ्रो एरर सेइंग योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड. वैसे तो होना नहीं चाहिए, राइट? सो कितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, वो सब हर एक सेकेंड या हर एक 5 सेकेंड या 30 सेकेंड कुछ तो डिले रहेगा उसका. एग्जैक्टली मुझे इन डेप्थ ग्रैनुलर लेवल पे वो वैल्यूज याद नहीं है, टाइमिंग वगैरह, बट हर 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 एक ट्रांसैक्शन जब भी उसका ये होता है, क्या बोलते हैं, पासवर्ड चेंज होता है, तो वो वैल्यू जितने भी डोमेन कंट्रोलर है वो यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड्स में जाके अपडेट करके रखता है. क्लियर? नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर वीएम, सॉरी ओनली वन वीएम, माई नेट. ओके, अंडर दिस व्हाट आई विल डू, एडी डीसी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पी एन क्यू पुणे 01, बराबर ना? और एल्स एस एच ए डी षडगुनिया ए डी डी सी पी एन क्यू 01. ओके, कहाँ पे है? पुणे में. नाम के वास्ते नेमिंग कन्वेंशन है, बाकी कुछ नहीं. सो 2019 बड़ा ही सर्वर रहने दो टेस्टिंग के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा कन्फिगर करते वक्त. 2 CPU 8 GB, 8 GB की जगह 4 CPU 4 GB भी चल जाएगा, या नहीं तो रहने दो. Just leave it. वो चल जाएगा. ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड बिफोर क्रिएटिंग द डोमेन कंट्रोलर. पहले लोकल एडमिन का तो रहेगा ना, वैसे ही ये डिफॉल्ट यूजर है. RDP फाइन, डिस्क इज फाइन, एंड मैनेजमेंट वी नेट AD सबनेट, ओके फाइन. डायग्नोस्टिक्स ऑफ रिव्यू एंड क्रिएट. लेट इट क्रिएट. वंस दिस इज क्रिएटेड विल लॉग इन इनसाइड एंड डू सम मॉडिफिकेशंस एंड कन्फिगर एक्टिव डायरेक्टरी, कन्फिगर एवरीथिंग एंड देन कनेक्ट विथ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ये टेस्ट करनी है मुझे. ओके, डिप्लॉय होगा, 2-3 मिनट टाइम लगेगा. आई विल जस्ट पॉज दिस रिकॉर्डिंग फॉर 1 मिनट, आई विल बी बैक, आई विल टेक सम वाटर एंड आई विल बी बैक इन 1 or 2 मिनट्स. ओके. बेटे को भी सिखा रहे हो क्या?
अरे वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। देख बिल्कुल लेंगे, तुम अगर भूल गए तो वो बता देगा पापा यहीं पे ये कर, तो का दिमाग साफ रहता है ना। I'm back. Let's resume. अभी तक नहीं हुआ ना? Let's wait. हो गया, गो टू रिसोर्स। टेक दिस आईपी, एक बार लॉगिन कर लेते पहले। कैंसिल, लेट मी लॉग इन वंस अगेन। अब ये एक बार ध्यान देना इस पे। इफ इट इज अ स्टैंड अलोन सर्वर यू विल जस्ट सी द नेम, वंस इट इज एडेड टू अ डोमेन और कन्वर्टेड इन टू अ डोमेन कंट्रोलर, वेदर इट इज अ क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर मीन्स यू हैव अ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, ट्रीट दैट एज अ सर्वर। इफ यू एड योर लैपटॉप टू अ डोमेन कंट्रोलर, okay, even if you log into your laptop remotely or you log into any other server, you will have, you will see fully qualified domain name here after adding to the domain. वो देखते हैं बाद में, फिलहाल ये देखो इतना ही है। बाद में यहाँ पे डॉट शटगुनिया डॉट को डॉट इन वो भी आना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन करेंगे। ओके okay. सो यहाँ पे थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विकिंग क्या है, ये देखिए, चेंज प्राइमरी डीएनएस एंड सेकेंडरी डीएनएस, वाई दिस इज रिक्वायर्ड आई विल टेल यू लेटर। क्रिएट वीएम, ये हो गया, वी आर डूइंग दिस स्टेप नाउ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Go to PowerShell. IP config slash all. क्या IP आया? जो भी IP आया पहले कॉपी कर ले सब कुछ, एक नोटपैड ले लो, पेस्ट इट हियर। ये देखिए, ये रहा सर्वर का IP, सबनेट मास्क, गेटवे एंड डीएनएस सर्वर। कुछ तो अलग ही डीएनएस सर्वर आया, राइट? आई डोंट नो व्हाट दिस डीएनएस इज, बट ये डीएनएस किस लिए यूज होता है? अब बाहर से जब सर्वर एक्सेस करते हो, बाहर से जब सर्वर एक्सेस करते हो और द इंटरनेट, ओके, पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस होता है ना, तो ये डीएनएस क्या करेगा? पब्लिक पब्लिक होस्ट नेम रिजोल्यूशन के लिए काम करता है। ओके, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर दिस डीएनएस वर्क्स फॉर पब्लिक नॉट फॉर प्राइवेट यूसेज। रियल टाइम में इसका जरूरत भी नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो इफ यू आर डिप्लॉइंग समथिंग इन योर रियल टाइम। ओके, नाउ
क्या करना है, मुझे थोड़ा ट्वीकिंग करना पड़ेगा. व्हाट व्हाट ट्वीकिंग, आई विल शो यू. ncpa.cpl नेटवर्क सेटिंग्स में जाइए. ओके, प्रॉपर्टीज, गो टू IPv4. यहाँ पे देखिए आईपी सेटिंग्स कुछ नहीं है, जो भी है डायनेमिकली आया, राइट, DHCP के थ्रू. सो मुझे स्टैटिक आईपी सेट करनी है. सेट अ स्टैटिक आईपी. कौन सा आईपी रखेंगे? सेम आईपी रखेंगे, जो आईपी है वही रखेंगे, बट स्टैटिक वैल्यूज, इट विल नेवर चेंज. 10.1.1.4 255.255.255.0 10.1.1.1 ये देखिए क्या होता है. 1.1.4 255.255.0 सबनेट एंड डिफॉल्ट गेटवे यही है, राइट, 1. यहाँ पे प्रेफर DNS, अल्टरनेट DNS. यहाँ पे थोड़ा नेम, मेरा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ या मेरा मुझे आदत हो गया प्राइमरी सेकेंडरी DNS लिखना. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ट्वीकिंग करना पड़ेगा. कौन सा ट्वीकिंग है? 10.1.1.4 ये क्या है? ये कौन सा आईपी है? खुद का सर्वर का ही आईपी दे रहा हूँ, बिकॉज वंस आई कन्वर्ट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर, द सेम सर्वर विल ऑल्सो एक्ट एज ए DNS सर्वर. इसलिए वहाँ खुद का ही सर्वर का आईपी रख देंगे. DNS का क्या काम है? नेम रेजोल्यूशन. ओके, ऑल्सो कौन सी आईपी है दूसरा? 168.63.63.129.16.129.16. ओके, इफ आई क्लिक ओके, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा सेशन, वापस रिकनेक्ट होगा. क्लिक ओके, ये देखिए स्ट्रक हो गया. मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज, वापस एक बार चेक करो. इट विल डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट. बस डिस्कनेक्टेड रिकनेक्टेड, राइट, क्लोज इट. नाउ यू विल सी आईपी कॉन्फ़िग ऑल वंस अगेन. यहां पे देखो दो एंट्री आया हुआ है. ये देखिए यहाँ पे पहले DNS में एक ही एंट्री था, अभी DNS में दो एंट्री आया हुआ है. बस इतना ही मॉडिफाई करना था. ओके, हो गया. जस्ट क्लोज, आई डोंट रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन. क्लोज क्लोज. नाउ सर्वर इज रेडी फॉर डोमेन कंट्रोलर सर्विस डिप्लॉयमेंट. कैसे डिप्लॉय करना है? गो टू, ये पेज डिफॉल्टली खुलेगा, अगर नहीं है यहाँ पे आके सर्विस मैनेजर खोल लो. यहाँ पे एड रोल्स एंड फीचर्स, क्लिक ऑन एड रोल्स एंड फीचर्स. नेक्स्ट 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 सर्वर रोल्स में जाके सेकेंड रोल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस ये सेलेक्ट कर दो. दैट्स इट, एक ही सेलेक्ट करना है. ओके, उसके साथ साथ क्या है, क्या क्या फीचर आएगा, वो सब वो खुद ही डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है. No need to select any additional things. Next, Active Directory Domain Services. It is saying you can also simply connect to Active Directory. I know it works, but I will do it later. Next, yes, confirm, install. So, क्या कर रहा हूँ? इस सर्वर पे Active Directory का सर्विस एनेबल कर रहा हूँ. एनेबल करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है. वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो बाद में देखते हैं. इट विल टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंस्टॉल द सर्विस इट विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes. गाइस समझ में आ रहा है या लिटरली बोरिंग है? इसमें क्या है? नो थ्योरी, क्यों कर रहा है, क्या काम है, किस लिए, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट लैब दिखा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट हैंड्स ऑन दिखे. और कुछ इन डेप्थ आपको ये पॉइंट पे, हाँ इसका क्या मीनिंग है, क्यों कर रहे हो, वो सब चीज़ें यू कैन गूगल इट, बिकॉज इट्स वेरी बिग टॉपिक. चाहे होते 10 दिन 12 दिन भी कर सकते हैं. ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी ट्रेनिंग इज ऑफ 5 डेज, ऑफिशियल ट्रेनिंग.
या एक्चुअली एक्टिवेटेड टीम सेपरेट थी, मैंने देखा था एक्चुअली दे हैव अ सेपरेट टीम फॉर एक्टिवेटेड। इसलिए अपना 2 घंटे के क्लास में ज़्यादा कुछ उगाड़ेंगे नहीं, बट एटलीस्ट इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स, हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, हाउ इट विल बी मैनेज्ड इन एनी कस्टमर एनवायरनमेंट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट विल बी इंटीग्रेटेड विथ योर एज्योर। मेरा एम ये है कि ऑन प्रीमिस और एज्योर दोनों पे इंटीग्रेशन कैसे चलता है वही दिखाना है। ओके वो एज्योर कैसे, सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेस हैं, उसके अंदर क्या क्या रोल्स है, क्या क्या स्कीमा है, और हाउ द स्कीमा विल वर्क, हाउ हाउ फेल ओवर विल हैपन, और कुछ पासवर्ड एक्सपायर हो गया, स्टेल स्टेल ऑब्जेक्ट आईडी डिलीट नहीं हो रहा है, कैसे ट्रबल शूट करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एनी ऑफ दिस टॉपिक्स। ओके दैट्स ऑल कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। नाउ इफ यू सी कन्फिगर्ड, इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल, डन। ओके यहाँ पे आ जाइए, ये देखो सम वार्निंग, यू हैव टू प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, देन ओनली इट विल फंक्शन। ओके प्रमोट, अभी देखो क्या पूछ रहा है भाई, डोमेन कॉन्फ़िगर कर लो, एग्जिस्टिंग डोमेन नो, न्यू फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग नहीं, सेकंड ऑप्शन यू विल यूज, सेकंड ऑप्शन व्हेन यू विल यूज, वन सेकेंड कहाँ पे है ये मेरा, हाँ अगर एक बार ये क्रिएट हो गया इस सर्वर यूज करके, ऑन प्रीमाइज में भी एक सर्वर है, इसको यही डोमेन में ज्वाइन करना है, इस सर्वर को भी इसी डोमेन में ज्वाइन करना है, देन दूसरा सर्वर ऑन प्रीमाइज में बिल्ड करो। ओके बिल्ड करके सेलेक्ट, क्या हो गया, हाँ फर्स्ट ऑप्शन एड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन टू एग्जिस्टिंग डोमेन, डोमेन ऑलरेडी है नया डोमेन कंट्रोलर बिठाना है, तब सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन यूज करो। कौन सी कंडीशन में, वेन आई से दिस पार्ट वेन यू आर कन्फिगरिंग सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन इन अदर सर्विस, बाकी स्टेप्स सेम, अभी तक जितने भी स्टेप्स करने किया हमने वो करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें। वन सेकेंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन में नहीं डालना है मुझे, न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करना है, न्यू फॉरेस्ट फॉरेस्ट मीन्स अभी तक है ही नहीं है वैसे डोमेन मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे DGUNYA.co.in, ये गूगल गोडैडी में जाके मैंने खरीदा, अभी मैं इधर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे खरीदा या नहीं खरीदा ये डोमेन को कुछ रिलेशन नहीं है, यहाँ पे आए चाहे होते ATT.com भी दे दे वो ले लेगा, बट वेन इट वेन यू आर इंटीग्रेटिंग विथ एज्योर, एज्योर वो इंटीग्रिटी चेक करता है सच में है क्या नहीं करके। ओके डन, नेक्स्ट वो बताता हूँ कहाँ पे वो इंटीग्रिटी चेक होगा, वो दिखाता हूँ बाद में, अगर बाद में कभी भी एडी में कुछ प्रॉब्लम आया ट्रबल शूट करने के लिए ये पासवर्ड है, डायरेक्टरी सर्विसेज कुछ खराब हो गया रिस्टोर करना है तो ये पासवर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट डीएनएस डेलीगेशंस, कंपनी में 10 से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर रहता है करके बोला, उसमें से कोई भी एक टास्क किसी को डेलीगेट करना है, डीएनएस सर्विस एक स्पेसिफिक सर्वर को डेलीगेट कर सकते हो, यहाँ मेरे पास एक ही है, आई डोंट रिक्वायर एनी डेलीगेशन एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट दैट विल ऑटोमेटिकली डिस्कवर द नेट बायोस नेम, आ गया। नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी का कंपोनेंट्स, डेटाबेस, ट्रांजैक्शंस, लॉग्स, एवरीथिंग विल बी सेव्ड अंडर दिस लोकेशन ऑन दिस सर्वर इटसेल्फ। नेक्स्ट फाइन प्रीरिक्विजिट्स, लेट इट वेरीफाई ऑल द प्रीरिक्विजिट्स आर मैचिंग, फाइन कुछ वार्निंग्स हैं, डेलीगेशन नहीं किया, 2019 सर्वर है ये वो, ठीक है कोई बात नहीं, इंस्टॉल।
Okay, done. So it will take around 5 to 10 minutes. Let it complete. It will deploy domain services, everything, and configure the domain. And once the successfully configuration is done, yeah, khud hi automatically reboot ho jayega server. ठीक है, I'll simply minimize this. I don't want to see. ये गायब हो जाएगा यहाँ से, तब देखेंगे. वो खुद ही कन्फिगर हो जाएगा, अपने आप और रिबूट हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू लिटिल डिस्कशन वंस अगेन. कमिंग टू एज्योर पोर्टल साइड, what is the first component? Right? उसके नीचे क्या रहेगा भाई, बोल लो. रिसोर्स टू बिजनेस यूनिट वन, रिसोर्स ग्रुप वन. ओके, बिजनेस यूनिट टू, resource group 2, and so on. You can create multiple resource groups. Within the resource group, kya kya rahega? Infrastructure as a service, you can deploy it, right? So system admins rehte hain, right? To manage your systems. Platform as a service, you can use it, right? These components, DBs. So DBA admins are there. And serverless compute components are there. Okay. And obi are there company mein. Right? In sab ko control dekhne ke liye, do you agree or not for these things? सेपी ने लिखेंगे. इन सबको मैनेज करने के लिए डू यू एग्री और नॉट? या ये हायरार्की समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किसको कौन सा परमिशन कहाँ पे देना है, ये मुझे कहना था. सर समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे किसको देंगे परमिशन? सब्सक्रिप्शन लेवल पे किसको देंगे परमिशन? पोर्टल में किसको देंगे? ओनर और हेड, राइट? वहां पे ही विल कंट्रोल द ओरिजिनल पोर्टल. ओके, पोर्टल में फुल राइट्स इसके पास ही रहेगा. सब्सक्रिप्शन लेवल पे किसको रहेगा? बिल्डिंग एंड मटेरियल्स. उसके नीचे जो स्टाफ रहेगा वो क्या करता है, कितना बिल आ रहा है, कौन किसके कारण, एनालाइज करेगा क्यों, कैसे मिनिमाइज करना है बिलिंग, हाउ टू ऑप्टिमाइज द बिलिंग, ये सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन वाले पे आते हैं ना. बिल भले नीचे कितने भी लोग काम कर रहे, तो कितना डेवलपमेंट, कितना टेस्टिंग, प्रोडक्शन, जितने भी बिजनेस रन करने, तो नीचे लेवल पे, बट सब्सक्रिप्शन लेवल पे आपको महीने में बिल आता है, राइट?
सो वो बिल देखने का परमिशंस इस लेवल पे कंट्रोल होगा. डू यू एग्री विद दिस? हेलो. यस सर. ओके, नाउ आई हैव वन बिजनेस यूनिट. आई विल क्रिएट वन रिसोर्स ग्रुप फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, एंड इनसाइड द बिजनेस यूनिट यू कैन डिप्लॉय एनीथिंग यू वांट. एजर में 200 कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट आप डिप्लॉय कर सकते हो रिसोर्स ग्रुप के अंदर. बट ये रिसोर्स ग्रुप का ओनरशिप एक बंदे को देंगे. भाई ये तेरा जिम्मेदारी है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है यू आर रेस्पॉन्सिबल. ठीक है. नाउ हिज ड्यूटी इज मैनेजिंग ऑल दिस. भले इधर एक लीड रहेगा, इधर एक लीड रहेगा, इधर एक लीड रहेगा, वट एवर, डजंट मैटर, राइट? हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हायरार्की बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल में, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलेगा, राइट? सो 10 एम्प्लॉई है, 3 एम्प्लॉई है, 15 लोग हैं, दो तीन लोग हैं, तीन शिफ्ट में. बिल्डिंग टीम इधर कोई है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग यहाँ पे मैनेज हो रहा है. क्लियर? सो इन 10 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ क्या मैं, यूजर ग्रुप एडी में? ये तीनों को एक ग्रुप बना सकता हूँ क्या? ये 15 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ ना? ये 3 लोगों को एक ग्रुप बना सकता हूँ ना? एक एक ग्रुप को स्पेसिफिक कंपोनेंट में मैं परमिशन देते चाहूँगा. कौन देगा ये परमिशंस? ही विल. इसको परमिशन कौन देगा? इधर से कोई तो देगा. इसको परमिशन कौन देगा? ये देगा. ये बंदा इधर नीचे एक मान लो ऑफशोर मैनेजर, ओके, और एक टीम है यहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा. इसको ये ओनर है इधर, एग्री और डिसएग्री? इफ यू लुक एट सर्वर गायब हो गया यहाँ से, ये ओनर है, राइट? सो ये बंदा इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो जो रिसोर्सेस है वो सब देख सकता है और कंट्रोल कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और परमिशंस दे सकते हैं नीचे लोगों को. बट ही कैन नेवर सी यहाँ पे क्या चल रहा है, ही कैन नेवर सी कितना बिल आ रहा है. यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? द लेवल ऑफ कंट्रोल्स इन एज़्योर यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी. नाउ ये सारे चीजें एक एक रूफ में कैसे लेके आते हैं? हाउ यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ? बाय यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. ओके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या रहेगा? एज्योर में मान लो 200 प्लस रोल्स हैं बाय डिफॉल्ट. नो, इफ यू हैव अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इन एज्योर Active Directory, you can create your own as well. इसके अलावा, okay? Now, कौन सी रोल किस लेवल पे किसको देना है, that is decided and documented for each and every organization. Do you agree on it? Yeah. Okay. Now, इसका एक AD group रहेगा, one. इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा, टू इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा, थ्री इस लेवल पे एक एडी ग्रुप रहेगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन 10,000. मान लो 10,000 ग्रुप है फॉर 1 लाख एम्प्लॉय, और मे बी मेनी, आई डोंट नो, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, कौन सी ग्रुप को कौन सा परमिशन कहाँ पे देना है, इट्स ऑल डिफाइंड एट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एंड रोल्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन एज्योर, ग्रुप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन योर ऑन प्रीमाइज एक्टिव डायरेक्टरी, एंड हाउ यू कैन गिव द परमिशंस इनसाइड दिस टेबल विल सी इन सम टाइम. यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सो ट्रीट दिस एज माय अकाउंट, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन गंटी. जो भी अकाउंट है मेरा लॉग्ड इन वो ऑलरेडी है, सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर नाउ. यहाँ पे
और कुछ कंपोनेंट्स को कैसे परमिशन देना है, दैट आई विल शो यू. डन, लेट्स डू इट. सो सर्वर इज रिफ्रेश, सर्वर इज रनिंग, कॉपी द आईपी, सेम आईपी राइट, 82.0. फाइन, नाउ यू हैव टू लॉग इन विथ, इफ यू गिव द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, सी चेंज हो गया, आई टोल्ड यू राइट. यस, डन. Done. Now you logged in. How to check it? Note down. ncpa.cpl. Sorry. dsa.msc. Domain. Services. Okay. Meanwhile, just open up this. ओके आ गया. नाउ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, दिस इज द सर्वर नेम, दिस इज द फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, एंड दिस इज द डोमेन करंटली द मशीन इज रनिंग ऑन राइट. हाउ टू चेक, दिस इज द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेस, ये दिस इज माय डोमेन अंडर दिस. इफ यू हैव 1 लाख लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, इसमें जाके आप एक ये बना सकते हो. इस यहाँ पे you can create new shared folder. Okay, the shared folder, new folder, okay, PNQ. Not the share folder, it's fine. Group? No, groups are like, only. New. Organization unit, sorry. I completely forgot. Organization unit under computers. New. नहीं है ना, ठीक है. रूट लेवल पर जाइए, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ओके, PNQ पुणे, ओके, इसके नीचे न्यू कंप्यूटर, PNQ लैपटॉप 1, लैपटॉप PNQ अमित लैपटॉप डॉट इसमें अमित लैपटॉप 01 करके देता हूँ. ओके, सो कंप्यूटर इज क्रिएटेड. इसे 1 लाख कंप्यूटर रहेगा, या फ्लोर में 500 लोग हैं, 500 कंप्यूटर यहाँ पे एडेड रहेगा. ऐसे हर एक लैपटॉप आईडी इस पे इधर दिखेगा. ओके, डेटा सेंटर में सर्वर्स है, इसके नीचे यहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करता हूँ. ओके, USA _DC, इधर USA में जितने भी सर्वर है वो सब यहाँ पे रहेगा. इसके अंदर आप यूजर्स भी बना सकते हो. यूजर्स, ओके, इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंप्यूटर्स विंडोज सर्वर्स
ओके, विंडोज सर्वर सब उसमें ऐड करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लिनक्स सर्वर्स, ओके, उसके अंदर सर्वर आइलोस, आइलो पता है ना आपको? आइलोस, पता आइलोस मतलब एक सर्वर है, उसका मैनेजमेंट कंसोल रहेगा हर एक सर्वर का अलग से, वो सारे आइलोस इस पे अंदर कॉन्फ़िगर रहेगा। डेटा सेंटर में कौन कौन सा यूज़र है यहाँ पे रहेगा, और कितने विंडोज सर्वर है ये सब इसमें दिखेगा, लिनक्स सर्वर सारे इसमें दिखेगा, विंडोज लिनक्स या वीएमवेयर स्टोरेज जो कुछ है उस सबको एक्सेस करने का रिमोट एक्सेस इस पे दिखेगा। ऐसा यू कैन क्रिएट आर्किटेक्चर लाइक दिस, दिस इज यूएसए डीसी पी एन क्यू, यू कैन रीनेम दिस, ठीक, द स्कोर ऑफिस 201, यू कैन क्रिएट लाइक दिस, यू कैन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ओके, AUS अंडरस्कोर ऑफिस 2016-8 वैसा सीरीज अंडर अंडर वन डोमेन कंट्रोलर, ओके। नाउ डोमेन कंट्रोलर के अंदर जाओ, एक ही सर्वर दिख रहा है, माई फर्स्ट साइट नेम, इसके अंदर पी एन क्यू यूएस रहेगा तो यूएस सर्वर, सारे डोमेन कंट्रोलर्स इसके अंदर इधर ही दिखेगा, राइट, फाइन। नाउ यूजर्स में जाइए, दिज आर डिफॉल्ट ग्रुप्स एंड यूजर्स, एक ही यूजर है डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, बिल्ट इन यूजर। नाउ आई नीड टू क्रिएट अ यूजर्स एंड ग्रुप्स, न्यू ग्रुप बिल्डिंग टीम, राइट, उसके बाद न्यू ग्रुप यूएस मैनेजमेंट ग्रुप ऑफशोर मैनेजमेंट ग्रुप सिस एडमिन्स, अनदर ग्रुप लेवल वन टेक्स, ओके, ऐसे ग्रुप्स बनाया। नाउ आई विल क्रिएट यूजर्स टू, यूजर यूजर वन, ओके, एम मॉनिटर, इसको नेमिंग कन्वेंशन क्या दें, अमित अमित ओके। नाउ नेक्स्ट फिनिश, अमित करके यूजर बनाया, एंड देन यूजर जय फाइन फिनिश, एंड देन यूजर सैफ, आई एम जस्ट रिमूविंग द पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉग ऑन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेस्ट एनीथिंग। Let me create one more user. Fine. Now, char user hai. Kisko EOS management, uske andar jaake अमित का
उस ग्रुप में डाल दो, सिस्टम एडमिन्स। श्रीनिवास को सिस्टम एडमिन ग्रुप में डाल दिया। और ऑफशोर बिल्डिंग टीम, बिल्डिंग टीम ओके, ऑफशोर मैनेजमेंट एंड राइट एंड सो ऑन। जितने भी ग्रुप बनते रहेगा और यूजर्स ऐड होते रहेंगे और ये मॉडिफाई होते रहेगा हमेशा, राइट। दिस इज माई ऑन प्रीमिस सेटअप, इमेजिन दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ये यूजर्स ग्रुप्स ये सारे यहाँ पे बार बार मैन्युअली नहीं क्रिएट करना है, कहाँ पे एजोर में आके यहाँ पे, मेरा स्टार्टअप नहीं है हमेशा ये सब चीज़ें मैन्युअली इधर करते बैठने के लिए। सो एक बार एम्प्लॉय ऑनबोर्ड हो गया, यहाँ पे भी हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग टाइम पे, कुछ तो कंपनी के एक पोर्टल रहेगा उसमें जाके मैनेजर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा हिज ऑनबोर्डिंग डिटेल्स, दिस इज द नेम, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज पर कंपनी स्टैंडर्ड दिस इज द यूजर नेम आई एम रिक्वेस्टिंग, सबमिट ओके। देन आफ्टर 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 लाइक वन डे और विद इन अ 24 आवर्स manager will get a email saying user has been created, this is the username and this is the temporary password, and mailbox also created, Skype account has been created, a SharePoint access has been given, and user is added into offshore management team group or offshore admin team group, whatever the requested template रहेगा ना manager submit करते वक्त request, so वो सारे चीजें backend में create हो जाएगा अपने आप, and manager will get the email by the end of the day and he will share with the new employee। यही चीज होता है ना बैकएंड में, ओके। नाउ एज्योर के अंदर भी मुझे वो यूजर को बार बार मैन्युअली नहीं क्रिएट करना, एक बार ऑन प्रीमाइज में क्रिएट हो गया वही यूजर एज्योर पोर्टल में भी मुझे दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन का जरूरत है। ये पिक्चर के हिसाब से कौन सी पिक्चर है, ये नहीं, यस ये पिक्चर के हिसाब से AD connect का जरूरत है to integrate my on-premise or Azure AD with platform as a service component Active Directory. Okay, ये कैसे करना है वो देखते हैं। Now let's go to server, open Google, इससे पहले server manager local server లోకల్ సర్వర్ వన్ సెకండ్ హలో క్లాస్లో ఉన్నానండి, ఇంకా అవ్వలేదు, అయిపోయినా చేస్తానా ఇంకొక గంట. సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ డన్, ఉస్కే బాద్ ఐ సెట్టింగ్స్ ఓకే డన్, గూగుల్ దేఖియా ఇతనా స్లో చల్ రా హై ఫైన్ అయ్యా पहले क्लोज कर दो इसको, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, हो गया ना यूजर्स क्रिएशन। एकदम लंबा क्लास है, थोड़ा बोरिंग भी रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, आप कॉन्सेंट्रेट कर लो प्लीज। ओके इसमें एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड, डाउनलोड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्टर यही है, ओके डाउनलोड कर दो, सेव इट, क्यों सेव इट, कंप्लीट ओके डाउनलोडेड क्लोज, लेट्स सी डाउनलोड्स, देखो पार्शियली सेव हुआ, पहले नहीं हुआ था, फाइन इंस्टॉल एडी कनेक्ट किया गया, ब्रिज बिटवीन यूअर ऑन प्रीमिस एंड
एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये दोनों को कनेक्ट करके सिंक करने के लिए काम करेगा। वो सिंक कैसे करेगा, ये खुद ही एक डेटाबेस बना के बैठेगा जहाँ पे ऑन प्रीमाइस में जो भी चेंजेस होगा पहले ये इसके पास रखेगा और वो भी उधर सिंक करेगा एक्टिव डायरेक्टरी एज्योर में जाके। ओके, अगर कोई यूज़र डिलीट हो गया कहाँ पे, ऑन प्रीमाइस में, सो उसको सिंक करके और एज्योर में भी वो यूज़र को डिलीट कर देगा, या यूज़र का पासवर्ड एक्सपायर हो गया ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में। कनेक्टर क्या करेगा, उस कनेक्टर एक्टिव डायरेक्टरी सॉरी सिंक करेगा विथ पोर्टल में, पोर्टल में एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो जो सर्विस है उधर वो यूज़र का पासवर्ड सिंक करके रखेगा। क्लोज इट नाउ, हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू कन्फिगर। आई विल से यस आई एग्री, कंटिन्यू। मैनुअल सेटिंग्स यू कैन डू इट, यू नो आई विल से एक्सप्रेस सेटिंग्स। कन्फिगर सिंक्रनाइजेशन आइडेंटिटीज फॉर द करंट एडी फॉरेस्ट, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है, फाइन। यूजर एक्सप्रेस सेटिंग्स नाउ, कनेक्ट विथ एजोर एडी। ये बोल रहा है कि एजोर एडी में कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करना है, तो पहले इधर एक मैन्युअली एक यूज़र बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ओके, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स इन द डायरेक्टरी। ये यूज़र का क्या काम है, सिंक करने का काम ही करेगा, बाकी कुछ काम नहीं करेगा। काइंड ऑफ सर्विस अकाउंट। ओके, कहाँ पे, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में। गो टू एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स नहीं है, सो न्यू न्यू यूजर, क्रिएट ए यूजर, नहीं इस डोमेन में, यस इस डोमेन में, सर्विस एसपीसी, सर्विस अकाउंट अंडरस्कोर सिंक और एडी सिंक और ग्रैंड, कुछ याद रख, कुछ तो होना चाहिए ना मीनिंगफुल। सो एजोर एडी सिंक, एजोर एडी सिंक, लेट मी क्रिएट माई ओन पासवर्ड, वेलकम एट द रेट 123। ओके, ना इसका जॉब रोल वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट क्रिएट द यूजर। क्या है, एजूर करके आया इधर यूजर, एसवीसी अकाउंट अंडरस्कोर एडी सिंक सो एंड सो। ये इसका ये देखो डिफरेंस, दिस इज एजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। इसको कुछ तो परमिशन देना चाहिए, सिर्फ यूजर ही क्रिएट किया, हमें कुछ रोल असाइन नहीं किया, क्योंकि यूजर को पोर्टल में कुछ करना है तो कोई तो परमिशन चाहिए ना रोल बेस्ड एक्सेस के हिसाब से। सो ऐड रोल्स, ओके, जस्ट ऐड अ रोल, रोल असाइन, ऐड असाइनमेंट्स। कौन सी रोल असाइन करना है इसको, ग्लोबल, ग्लोबल करके सर्च करो, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजोर एडी एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज दैट यूज एडी आइडेंटिटीज, ये उसको देना पड़ेगा। डन। डन। नाउ अगर नहीं है, लेट मी डिलीट इट, अगर नहीं दिया तो वो भी मुझे एरर देना पड़ेगा ना, रिमूव असाइनमेंट्स। राइट, सो यूजर है कौन सा, एसवीसी अकाउंट अंडरस्कोर एडी सिंक एट डॉट को डॉट इन, वेलकम एट द रेट 123, पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, अपडेट द पासवर्ड एंड ट्राई अगेन। मैंने जब उधर पासवर्ड सेट किया तो पहली बार लॉग इन करके चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, वापस दूसरा ब्राउजर में जाओ, साइन इन विथ डिफरेंट यूजर, और यूजर नाम भी याद रखना बहुत मुश्किल है। लेट मी साइन आउट एंड फॉरगेट, साइन आउट एंड फॉरगेट, इन सब को याद रख के क्या करेंगे,
forget, forget, forget. Now, क्या था? SVC account underscore AD sync at ये पूरा देना पड़ेगा. ओके राइट. अगर वैसा कुछ यूजर ही नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव एरर, वहां पे एरर दे देगा. राइट 1 2 3 मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछना चाहिए. यस राइट विल चेंज पासवर्ड. डन. सो लॉगिन तो हो गया बट वो कुछ नहीं कर सकता है लॉगिन करके, क्योंकि उसको कुछ परमिशन ही दिया नहीं ना अभी तक. मैं मे बी लेटर. ठीक है लॉगिन हो गया. सी नो सच डायरेक्टरी नथिंग. डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे लॉगिन हो गया. एज्योर इज द यूजर नेम. ओके नाउ मिनिमाइज, कम टू रिमोट, नेक्स्ट, गो बैक, यूज एक्सप्रेस सेटिंग्स, SVC account underscore AD sync at change the password. No, ये देखो, please provide the Azure AD credentials of global administrator. Global administrator जिसको है permission वही user इसको दे दे बाबा इधर. Now go back, add assignment. Okay, global administrator इसको ही permission दे दिया. Now again previous express settings SVC account underscore AD sync at देख अभी ले लिया. दस इट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इन माय पोर्टल. नाउ इस ये भी जो भी सर्वर है ये भी ऑन प्रीमिस सर्वर है. मान लो यहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को एक्सेस करना है तो इधर भी एक यूजर चाहिए. dsa.msc में यहाँ पे भी कोई तो एक यूजर चाहिए ताकि वो एडी कनेक्ट इसके साथ कनेक्ट करके इधर जितने भी यूजर्स है, कहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स है, ये सारे यूजर्स को उधर सिंक करने के लिए इन इन सब के अंदर कोई तो एक यूजर चाहिए इसको भी विथ हाईएस्ट परमिशंस. सो क्या करेंगे पहले एक यूजर. क्योंकि सारे यूजर्स का जो चेंजेस है वो कलेक्ट करके मॉडिफाई करना है. मतलब इन शॉर्ट बैकएंड में अब जो भी मॉडिफाई कर रहे हो पासवर्ड मुझे मुझे पिक करके उधर सिंक करना है. तो मुझे तो आपका यूजर का जो डेटा है वो एक्सेस करने का परमिशन होना चाहिए. देन दैट दैट शुड बी एलिवेटेड एक्सेस राइट. बट every password is in encrypted form. I cannot read the password, I cannot read the changes. अब क्या कर रहे हो मुझे कुछ पता नहीं. जस्ट मैं मुझे highest permission चाहिए वो objects read करके उधर भेजने के लिए. नहीं मेरा question था, आपने अभी एक global administrator role create करके connect किया है ना, तो वही user नहीं कर सकते क्या? बोलो दोनों काम. नहीं नहीं दोनों काम नहीं है समझो. एक मिनट सॉरी, ये अलग है, ये दुनिया अलग है. ये दुनिया में ये बंदा रेस्पॉन्सिबल है, ये दुनिया अलग है राइट. इमेजिन दिस इज शिवसेना, दिस इज NCP. इन दोनों को कैसे जोड़ोगे? हाँ इधर भी कोई तो मेंबर चाहिए, इधर भी कोई तो मेंबर चाहिए, मीडिएटर्स. ठीक है यहाँ पे जो सबको संभाले, यहाँ सबको संभाले,
गॉट इट? एडी कनेक्ट जो है ये मीडियम है बस। पहले यहाँ एक बंदे को उठाया मैंने, भाई ये तेरा काम है। इधर भी एक बंदे को मुझे अलर्ट करना, भाई भाई तू ये काम कर ले। तो इस बंदे को अभी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, समझा? क्लियर? सो अनदर यूजर ऑन प्रेम सिंक, ऑन प्रेम सिंक यूजर, गॉट इट? नो फिनिश। इसको भी परमिशन चाहिए ना? क्या क्या परमिशन चाहिए? जी एंटरप्राइज एडमिन्स में ऐड कर देंगे इस यूजर को। ऑन प्राइम सिंक नाउ डोमेन एडमिन्स में भी ऐड करेंगे। डन। नाउ गो टू एजर एक्टिव ऑन प्रेम सिंक एट सेम डोमेन। ओके, अभी ये तो दे रहा हो, इसका इंटीग्रिटी कैसे चेक करेगा? हाँ सच में ये डोमेन है क्या नहीं, वेरीफाई किया क्या नहीं, क्योंकि नाउ मेरा ऑन प्रीमाइज है वो आइसोलेटेड है, इंटरनेट पे कभी गया नहीं ऑन प्रीमाइज वाला। नाउ एजर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? इंटरनेट पे चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कस्टम डोमेन्स में जाके, कहाँ पे है भाई, कस्टम डोमेन्स, या कस्टम डोमेन्स में जाके वेरीफाई किया हो, राइट? वेरीफाइड। सो इफ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माई ऑन प्रीमाइस, वो वेरिफिकेशन री वेरीफाई होता है, बराबर है क्या नहीं, सच में है क्या नहीं। अगर नहीं है तो फोकट में यूज़ कर रहे हो क्या ये डोमेन? दुनिया में और कोई यूज़ नहीं कर सकता है, पेटेंट्स किसी के नाम पे है, राइट? सो नेक्स्ट, नाउ इट इज़ कनेक्टेड। ओके, स्टार्ट सिंक्रनाइजिंग, इंस्टॉल। ये क्या कर रहा है? इट इज़ नाउ क्रिएटिंग खुद का कुछ डेटाबेस बना के रख रहा है, ताकि इधर से उधर कुछ डेटा सिंक करना है, पहले इसको तो जानना चाहिए एडी कनेक्ट को, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। वो खुद को इंटीग्रेशन के लिए वो खुद ही एक डेटाबेस बना रहा है विद इन द सर्वर इटसेल्फ। नाउ क्रिएटिंग अ सिंक्रनाइजेशन सर्विस, लेट्स वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे ग्रुप्स में देखो, दिस आर द डिफरेंट यूएस मैनेजमेंट, ये सब दूसरा क्लास में जब बताया था तब है, ये इग्नोर कर दो। और यहाँ पे यूजर्स में भी आपका नाम नहीं रहेगा, अमित जय या सैफ, मेरा नाम कहीं तो रहेगा। सो ये सारे देखो, एक ही षटगुनिया, दो षटगुनिया, बाकी सब कुछ तो अजीब ही नाम है, राइट? इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। अभी वापस सिंक होने के बाद हमारा जो ऑन प्रीमाइज वाला जो यूजर्स है @shatgunia.co.in, यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे यूजर्स आना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप्स आना चाहिए, क्लियर? यहाँ पे ये ग्रुप्स जो है ये ऑब्जेक्ट आईडीज, इग्नोर देम। ओके, आई विल गेट सम न्यू एंड दे ऑल्सो हैव राइट ऑब्जेक्ट आईडीज, नया कुछ ऑब्जेक्ट आईडीज आएगा यहाँ पे, देखते हैं। नाउ यू विल सी कन्फिगर सो ऑन, सो उसके साथ कनेक्ट कर रहा है मेरा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। अपडेटिंग सिंक्रनाइजिंग रोल्स कन्फिगर, अभी डोमेन अपडेटिंग सिंक्रनाइजिंग रोल्स फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन।
right? Fine. Just wait for a few more minutes. Now done. Okay, so exit. हो गया सिंक सिंकिंग इज डन. नाउ यहाँ पे आके जस्ट रिफ्रेश इट, यू विल सी सम मोर एंट्रीज. थोड़ा टाइम लगेगा, वेट फॉर सम टाइम. अमित, ये नहीं सॉरी, जस्ट रिफ्रेश. इतना टाइम लग रहा है. ये देखिए आ गया होगा. अमित आया? अमित, जय एंड सैफ एंड श्रीनिवास. इवन ऑन प्रीमाइज भी आएगा ना? ऑन प्रीमाइज डायरेक्ट वही उधर का ही इधर आएगा. उधर का इधर सिंक होना चाहिए ना. यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. एजुर में वहाँ पे जो भी यूजर है अपने आप इधर सिंक करना चाहिए, वही अपना ही में. यहाँ पे भी देखो डायरेक्टरीज अपने आप आ जाएगा. ऑफशोर मैनेजमेंट दो दो आया. ओके, पुराना क्लास वाला एक एंट्री है, आपका एक एंट्री. वैसा सिसएडमिन्स, बिल्डिंग टीम, ऐसे बहुत सारे. नाउ हाउ टू असाइन रोल्स. यूजर्स तो आ गए, तो अभी रोल्स कैसे असाइन करना है? अभी रोल्स कैसे असाइन करना है? गो टू कॉस्ट एंड बिल्डिंग. यहाँ पे बिल्डिंग टीम में किसको दिया मैंने? बिल्डिंग टीम इज कैपिटल बिल्डिंग टीम, याद रखो कैपिटल बिल्डिंग टीम. और किसको? जय को बिल्डिंग टीम का एक्सेस दिया. सो बिल्डिंग कौन देख सकता है? पे एज यू गो में जाइए. आई एम रोल, एड रोल असाइनमेंट. यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर, कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर. वो क्या काम करेगा उसको ही पता है, राइट? मुझे तो पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या करता है. यहाँ पे बिल्डिंग टीम, दो बिल्डिंग टीम आया. पुराना जो क्लास का वो छोड़ दो, नीचे और एक आया कैपिटल में, ये सेलेक्ट कर दो. इस ग्रुप को दे रहा हूँ, इस ग्रुप में 10 लोग हैं. वो 10 लोग लॉग इन करेगा तो उनको एक ही परमिशन मिलेगा, बिल्डिंग मैनेजमेंट कंट्रीब्यूटर. सेव इट. कहाँ पे दिया हो? सब्सक्रिप्शन लेवल पे. गो टू माय पिक्चर, अनदर पिक्चर आई हैव ड्रॉन. यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल पे दिस वन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड, दिस वन बिलिंग टीम का. बिलिंग टीम करके एडी ग्रुप है. और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में एक रोल मिला है मुझे, जिसको मैं ए लेवल पे एक्सेस दिया हूँ. ओके, नाउ कम टू हियर, जस्ट स्विच यूजर. ओके, नाउ एट राइट ले लिया. अगर यूजर नहीं रहता है तो इट वॉन्ट एक्सेप्ट. चाहते वी कैन ट्राई इट आउट. जय वन, नहीं नो सच यूजर. ओके,
पासवर्ड रखा मैंने। रीसेट, JMM, राइट? नहीं है क्योंकि उसके अलग से लाइसेंस लगेगा। वो साइड में रख दो। वो अगर रीसेट करना है तो वो मेल बॉक्स में जाएगा। वो मेल बॉक्स है ही नहीं, हमने मेल बॉक्स क्रिएट ही नहीं किया ना। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ व्हाट इज द पासवर्ड आई सेट यहाँ पे? जय, वेर इज मिस्टर जय? उसको पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड नो, अनलॉक यूजर, राइट? सो सिंक सर्विस, सिंक सर्विस, सिंक सर्विस को एक बार वापस अपडेट कर रहा हूँ ताकि पासवर्ड उधर अपडेट हो जाएगा। क्लोज, कैंसिल, ओके, क्लोज, रन, फुल सिंक्रोनाइजेशन रन कर दो। रनिंग, एक बार पूरा सिंक कर दो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई वंस अगेन। अगर ये देखिए साइन आउट, डॉट इन, नहीं हो रहा, ठीक है और किसी का ट्राई करते हैं। और किसी का नहीं हुआ देन देयर इज अ सम इश्यू इन सिंकिंग कभी कभी। नहीं, हाँ किसी का नहीं हो रहा, दैट मीन्स पासवर्ड सिंक नहीं हुआ, सिंकिंग इश्यू है। सिंकिंग इश्यू, एक अपडेट हुआ, अनचेंज्ड बराबर है, फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? लेट मी क्लोज दिस आउट, गो टू IAM Azure Active Directory, and the difficult part is for those users you cannot reset a password from here. Let's say Jay, right? Reset the password. Unfortunately, the current licensing does not allow you to reset password here. Okay? So, जो भी है वहाँ पे ही रिसेट करना पड़ेगा।
तो यहां से यूजर डिलीट किया तो फिर और एक बार सिंक होगा ना तब या वो नहीं जो। नहीं यहाँ पे डिलीट भी नहीं होगा यूज़र, देखो डिलीट भी डिसेबल्ड है जो भी है वहाँ पे। इफ़ आई डिलीट द यूज़र, कहाँ पे ऑन प्रीमाइस में डिलीट करेंगे, यहाँ पे भी डिलीट होना चाहिए किसी का तो यूज़र डिलीट करेंगे। रुक, सो श्रीनिवास को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट यूज़र, डन। नाउ रन डेल्टा सिंक्रोनाइजेशन, जस्ट सी। कंप्लीट। जय का अभी अपडेट हुआ। ओके सर, रन फुल सिंक्रोनाइजेशन, लेट्स सी। नहीं है ना श्रीनिवास, ये भी अपडेट हुआ। ठीक है, हाँ नाउ यहाँ पे आके वो यूज़र थोड़ी देर के बाद वो डिलीट होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा सिंकिंग में बट वो डिलीट होना चाहिए। ये यूज़र थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा, बट या लेट्स ट्राई। वो लॉगिन भी होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, और इससे पहले भी मैंने क्लास लिया था नो सिंक्रोनाइजेशन इशू, बट उसमें क्या है मल्टीपल एंट्रीज आया था, डुप्लीकेट एंट्रीज, उसके कारण शायद नहीं हो रहा होगा। ओके डॉट को डॉट इन, नहीं हो रहा। ठीक, लेट मी डू आईडी कनेक्ट, सस्पेंडेड बोल रहे हैं। कॉन्फ़िगर कस्टम सिंक्रोनाइज़ेशन ऑप्शंस, ओके राइट। नेक्स्ट सिंक ऑल डोमेन्स एंड ओयूज, नेक्स्ट पास नेक्स्ट, यस यस ऑल दैट एट्रीब्यूट्स की जरूरत नहीं। लेट मी सी इफ इट विल सिंक और नॉट। ओके पासवर्ड पासवर्ड राइट बैक इज, वहां से अगर लाइसेंस है उधर चेंज किया तो इधर राइट बैक करेगा पासवर्ड। ओके मे बी मल्टीपल ओएस क्रिएट किया हो अननेसेसरली, उसके कारण कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, बट दैट्स ओके, वी हैव टेस्टेड, ओनली द लॉगिन पार्ट इज मिसिंग। आई होप दैट विल ऑल्सो वर्क। तो आइडियली वंस लॉगिन इज कंप्लीट जे शुड सी ओनली बिलिंग ऑप्शन देखो राइट जो आपने देखिए, किया हो है। गया हो गया हो गया, सिंकिंग का इश्यू है, देखो अभी लॉगिन हो गया जेई। ओके एंड ही कैन गो एंड चेक दी बिलिंग पार्ट। सब्सक्रिप्शन का है नहीं, ही कैन ओनली डू कॉस्ट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकता है किसको कितना कॉस्टिंग है क्या है, उतना ही कर पाएगा। ओके अगर जाके इसको ये करेंगे, भाई एक रिसोर्स ग्रुप है उसको, सॉरी एक वी नेट है या रिसोर्स ग्रुप ही क्रिएट करते हैं राइट, बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप है ना, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट।
straight away he should get the error. Dekho, you do not have a permission to create a resource. Okay. Now, what I will do? I will add one more user. Isko sign out kar lete yahan pe. Sign out. Sorry, leave. So, yahan pe. Kahan pe? Go to yahan pe. Refresh. वो यूज़र श्रीनिवास चला गया क्या? वो देखो श्रीनिवास आई क्या यहाँ पे? नहीं श्रीनिवास चला गया, देखिए अभी. हाँ शायद वो नहीं है. हाँ या ही इज गॉन. सो थोड़ा टाइम लगेगा उसको डिलीट होने में, बट या साइफ साइफ को ये परमिशन देंगे रिसोर्स ग्रुप लेवल पे. इस रिसोर्स ग्रुप लेवल पे साइफ को फुल परमिशन देता हूँ. He is the owner of this resource group, let's say for example. He can do anything, but dusra resource group dikhega hi nahi. Owner. Okay, rather than group, I'll say individual user, Saif. Done. Role assignments, niche aake dekhiye. Bahut sare maine create kiya tha purana. Amit ko bhi diya tha. He is reader at this resource level. Saif, owner at this resource level. Okay? Billing team ko bhi diya tha, but inherited from subscription, he can do only this task. So I say, bahut sare US management day purana, matlab last class mein jab SN kiya hoga ye. That's okay. Now, what I should do? Saif ke saath login karna hai. यहाँ पे देखिए कितने रिसोर्स ग्रुप है. आई एम सॉरी, कितने रिसोर्स ग्रुप है. पहले मेरा फुल एक्सेस है ना. गो टू रिसोर्स ग्रुप्स. 1 2 3 4 5 6 रिसोर्स ग्रुप्स. ओके यहाँ पे आके देखिए सेफ एट को डॉट इन. लॉग इन हो गया. तो सब देखना चाहिए जी हमारा. नहीं है, और रिसोर्स ग्रुप लेवल, एक ही रिसोर्स ग्रुप लेवल पे फुल एक्सेस दिया. ओनर ओनरशिप एक रिसोर्स ग्रुप लेवल पे दिया, बाकी किसी रिसोर्स का ग्रुप दिखना नहीं. रिसोर्स ग्रुप्स उसके अंदर दूसरा बिजनेस यूनिट का कुछ बिजनेस चल रहा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं है यहाँ पे. ये देखिए एक ही दिख रहा है, बट आप एज़्योर पोर्टल में जाके हर एक कंपोनेंट में जाके जो कुछ चाहिए सब कुछ डिप्लॉय कर सकते हो, बट ओनली अंडर दिस रिसोर्स ग्रुप. और बिलिंग में जाके वो बिलिंग देख ही नहीं सकते हो कितना बिल है, क्योंकि द बिल इज बेस्ड ऑन 10 रिसोर्स ग्रुप, 10 बिजनेस यूनिट्स, 10 मैनेजर्स और 10 इंडिविजुअल कंपनीज. बट एट पेरेंट लेवल कंपनी यू कैन नॉट सी व्हाट द बिल इज. सी यू डोंट हैव एक्सेस इन बिलिंग, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनी रिसोर्स ग्रुप. ऑल्सो यू कैन नॉट क्रिएट एनी, इवन दो इफ यू आर ओनर एट दिस लेवल, उसके ऊपर लेवल पे जाके आप रिसोर्स ग्रुप बना नहीं सकते हो. ओके देखो यू डोंट हैव परमिशन, बट इस रिसोर्स ग्रुप पे अंदर जाके यू कैन क्रिएट अ वी नेट, यू कैन क्रिएट अ सब नेट, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग. ओके द पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप व्हाटएवर. या इसके अंदर आपका खेल है, बाकी और दो तीन रिसोर्स ग्रुप है आपको दिखेगा भी नहीं उधर क्या बिजनेस चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या एक्सेस है, कौन डिप्लॉय कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, वो सारे चीजें आपको कुछ लेना देना नहीं. इफ यू वांट यू कैन गो टू योर मैनेजमेंट वीनेट, बिकॉज यू आर ओनर फॉर दिस रिसोर्स ग्रुप. उसके अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट है आप मैनेज कर सकते हो, नो डाउट. सबनेट, एड वन मोर सबनेट. सबनेट टू. ओके डन, सक्सेसफुली एडेड बिकॉज यू हैव अ परमिशन. समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? अंडरस्टूड. ओके सो आई होप आई कवर्ड व्हाट आई हैव रिटन हियर. यस सर.
get user assigned roles and permission. इतना लंबा स्टेप्स, इसलिए बोला कि वीकेंड में करते हैं। आज मॉर्निंग में भी सेम सेशन फॉर अदर। ओके ओके, कैन आई स्टॉप हियर और यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई कैन, आई सेव ये तो दिस। क्वेश्चन हाँ, समझ में आया प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या? क्या है नवंबर बेस्ट हो, ये है ना आपका, यही है ना आपके अंदर जो फाइल्स है अच्छा एज़्योर किया एडी। ओके, वहाँ पे सेव कर दिया स्टेप्स, इन केस इफ यू गाइस वांट टू रेफर समथिंग। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, 2 hours 30 minutes। और मैंने बहुत सारे चीज़ें इन द सेंस, एक एक पॉइंट पे अगर हम जाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज दिस आउट।